अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मॉर्निंग विद नादिया खट्टक जो है उसके साथ आप हाजिर हैं। और इस वक्त जो कहते हैं एक बहुत खूबसूरत सुबह है, साथ सूरज जो है वो चमक रहा है, और उस चमकने के साथ हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत है जो रिसेंटली अभी प्रेसिडेंट बने हैं ICCI के, आमिर साहब। और आई एम रियली ग्रेटफुल दैट टुडे ही गिवन टाइम, एंड मज़े की बात है कि ही वाज एक्चुअली इन टाइम, और बहुत अच्छा लगा। और आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि जब कहते हैं ना पाकिस्तान की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, बिजनेस की बात हो, ट्रेड की बात हो, तो ये कैसे हो सकता है कि हम किसी ऐसी शख्सियत को ना लेकर आएं जिनसे आपको एक्चुअली जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। सिर्फ गपशप लगा देना, ही हा हा कर लेना, गॉसिप्स कर लेना, इससे जो है वो मुल्क आगे नहीं बढ़ते, बल्कि बढ़ते हैं जब आप प्रॉपर एक जब किसी मुल्क का ट्रेड इकॉनमी जब ग्रो करता है तो वो मुल्क की तरक्की करता है। आज खूबसूरत सुबह है और काफ़ी अरसे के बाद, बल्कि कल नादिया खट्टक कॉफ़ी विद नादिया खट्टक के साथ हम शाम को हाजिर थे, और मॉर्निंग का हमने गैप इसलिए दिया था ताकि आप इंतज़ार करें। और स्पेशली आई एम ग्रेटफुल, कल का मॉर्निंग जो शो है वो मैंने स्टॉप किया था कि आप सारे वेट तो कर रहे थे, बट आई जस्ट वॉन्टेड कि हमारा जो प्रोग्राम असल में स्टार्ट हो, और मेरा जो पहला कोई ऐसा गेस्ट होना चाहिए जो मेरी दुआ थी कि जो रियली में यानी एक ज़बरदस्त बंदा हो। एंड आई एम ग्रेटफुल कि आमिर साहब से जब मेरी डे बिफोर येस्टरडे बात हुई तो उन्होंने कहा कि, और बहुत लेट हुई तो उन्होंने कहा कि नादिया कल मेरी कमिटमेंट है बट आई विल बी हियर। सो आज हम इनसे बात करते हैं और आई होप कि आपका जो दिन है वो बेहतरीन गुजरा होगा। अभी हम थोड़ी देर में चाय कॉफ़ी का भी मज़ा लेंगे। आज इनको पूछते हैं कि आपको धूप में कैसा मज़ा आ रहा है, और आज आमिर साहब अपने पहले प्रोफाइल के बारे में बताएंगे कि इन्होंने क्या किया, ये बचपन से क्या कर रहे थे, और फिर हम एक्चुअल बात पे आएंगे। लेकिन जो सुबह है वो हम बड़ी ख़तरनाक नहीं स्टार्ट करेंगे। सो हम सबसे पहले बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, करिए। आज आपने सोचा था कि आज आप सेंटोरस की जैसे कहते हैं टेरेस में बैठेंगे, ऑल दो के जो इनको नहीं आइडिया था कि ये क्या होगा कैसे होगा, लेकिन आप सोच सकते थे कि आज आपकी जो सुबह है वो टेरेस पे, और वो भी धूप, क्या कहते हैं वो लोग सन बात कहते हैं ना, तो वो तो सी के साथ होता है, तो आपने सोचा था? मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे विटामिन डी सुबह सुबह मिल जाएगी, तो ये एक अच्छी सुबह का आगाज़ हुआ है। विटामिन डी भी लेनी चाहिए, ये भी ज़रूरत ज़रूरी है सेहत के लिए। मेरा ख्याल है कि हम लोग बिल्कुल भूल गए हैं जो हमारा पुराना कल्चर था, लोग धूप में बैठते थे, बैठ के सर्दियों के मौसम में वो जो ऑरेंजेस खाना और इस तरह की चीज़ें, ये तो फिर एक अभी आपने याद ताज़ा करा दी बचपन की। अच्छा, हमने याद ताज़ा करा दी इनको बचपन भी, लेकिन बचपन में छतों पे बैठा जाता था, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक सबसे जो पीक वाली बिल्डिंग है वो दैट इज़ सेंटोरस। दैट वाज बेसिकली माय पर्सपेक्टिव, बिकॉज ये हमारे सीनियर हैं, मैं तो एक छोटी सी बिजनेस वूमेन स्टार्ट हुई थी और अभी दोबारा से, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी ये रिप्रेजेंट करते हैं इस्लामाबाद चेंबर्स को, और ये खुद बताएंगे, माइक में इनके हाथ में पकड़ाऊंगी, जब तक ये बात करना चाहेंगे ये बिल्कुल बात करेंगे और हमें बात में नहीं टोकेंगे। तो सबसे पहले हम आमिर साहब से पूछते हैं कि आप कहाँ पैदा हुए और आपकी क्या एजुकेशन थी, और फिर आपने अपना वो सफ़र अपने बिजनेस तक खुद बताना है। और अगेन थैंक यू वेरी मच दैट यू केम, और जो आज एक्चुअल जो मॉर्निंग शो शुरू हुआ है वो आज से शुरू हुआ है, और देखिए अल्लाह ताला को पता होता है जो आपको पता नहीं होता, आप कोशिश करते हैं। सो एज बीइंग अ बिजनेस पर्सन, और मेरा आज जो पहला गेस्ट ये रिकॉर्ड में हिस्ट्री में आपका नाम रहेगा, मुझे बल्कि लोगों ने कहा था कि मैम आपको बुक लिखनी चाहिए, तो उसमें मॉर्निंग शो में पहले जो है, आई एम अगेन ऑनर्ड दैट टुडे माय गेस्ट इज स्पेशल गेस्ट इज मिस्टर आमिर साहब, एंड ही इज करंटली न्यूली सिलेक्टेड और क्लीन स्वीप के साथ सिलेक्टेड हैं, यानी कोई ऑपोजिशन में नहीं था, एंड ही सिलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। और इसी तरह मैं FPCCI वालों को कहूँगी, स्मॉल चेंबर्स को कहूँगी, और सारे पाकिस्तान के जितने चेंबर्स के लोग हैं, यू ऑल आर वेलकम। आई रियली वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मॉर्निंग शो। तो आमिर साहब सबसे पहले बताएं आप कहाँ पैदा हुए, और आपको क्या पता था कि आप एक दिन पूरे इस्लामाबाद के चेंबर्स के प्रेसिडेंट बन जाएंगे जनाब? यस,
माइक ले लें। मेरी भी पैदाइश पिंडी में हुई, पिंडी में पैदाइश हुई मेरी, और मैं पिंडी बॉय हूँ। हमारी शुरू से एक पिंडी सिटी में था, पिंडी सिटी में रहते थे हम लोग, सिटी का जो सिटी का एरिया है। उसके बाद हम लोग जी अपना सेटेलाइट टाउन ई ब्लॉक में शिफ्ट हो गए। फैमिली चचा और वालिद साहब हमने तीनों ने मिलकर घर बनाए वहाँ पे। वहाँ पे हम 93 में शिफ्ट हुए। उसके बाद हम 2010 में इधर इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए। अपना इधर हमने एक अलहदा घर बनाया। तो मैंने मेरी एजुकेशन जो थी पिंडी से ही थी। मैंने सादिक पब्लिक स्कूल से मैट्रिक किया। उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने अपना जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और ग्रेजुएशन तक मैंने सर सैयद कॉलेज माल रोड से मैंने ग्रेजुएशन की। मैंने विद डबल मैथ स्टैट बीएससी की। उसके बाद मैंने एमबीए फाइनेंस में बहुत अच्छे साथ साथ मैं आपको तंग करती रहूंगी। हिसाब किताब में बहुत अच्छे, इसलिए आज ये प्रेजेंट बने। सो जनाब बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें बहुत, क्योंकि मैं इसलिए क्लोज आ गई ताकि मेरी आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल चली जाएगी, लेकिन आपकी आवाज़ माइक से आएगी। सो जनाब इन्होंने जो बचपन है वो सारा पिंडी बॉय थे, और सर सैयद वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं दे कंसिडर टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। सो आपका जो स्कूल है उसको क्रेडिट जाता है। टीचर से बात होती है अभी भी? जी जी बिल्कुल, मेरे पुराने जो टीचर हैं उनसे बात होती है, और बड़े वो खुश, बड़े खुश होते हैं कि उनका एक स्टूडेंट, बिल्कुल अपने मुंह के करीब, इनका एक स्टूडेंट जो है इस पीक लेवल तक पहुँच गया। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मुझे अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है, और मैं अपने इसमें क्रेडिट अपने पेरेंट्स को भी देता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों पे, अपने फैमिली पे इतनी ज़्यादा मेहनत की। और मैं इस लेवल, हम 7 बहन भाई हैं जी, हम 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं। माशाल्लाह सारे शादीशुदा हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। उससे फिर उसके बाद मेरी बहनें हैं दो, फिर सबसे बड़े लगते नहीं हैं अभी। उसके बाद मेरी बहनें हैं दो जी, उसके बाद एक भाई, फिर उसके बाद एक सिस्टर, फिर 2 भाई हैं। और मेरा जो छठे नंबर भाई, नहीं मेरा जो छठे नंबर पे भाई है वो एमडी बैतुल माल है पाकिस्तान का, मिनिस्टर आफिद वहीद उसका नाम है। उसे बैतुल माल से कोई भी मसला हो जनाब आमिर साहब से आप कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन तो सिफारिश नहीं चलेगी। अच्छा, तो बाकी जी उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी जो एमबीए है मैंने प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से, वो मैंने इवनिंग में किया, क्योंकि बैचलर्स के बाद मैं वाले साहब के साथ बिजनेस पे आ गया था, और उनके साथ उनके उनका हमारा पहले जी स्टार्ट था, हमारा घी की मैन्युफैक्चरिंग, घी का हमारा काम था और ऑयल वगैरह का। फिर मैंने वाले साहब, हमारा एक दादा से काम चला आ रहा था शुगर का, तो वो फिर मैंने उसको थोड़ा सा कंटिन्यू किया, उसको थोड़ा फास्ट किया वाले साहब के साथ मिलके, और अल्लाह के फजल से उसको बड़े पीक लेवल तक लेके गए। देखिए आमिर साहब से बिल्कुल नहीं लगता कि इनके जो फोर फादर्स का बिजनेस घी या चीनी का हो सकता है, बिकॉज़ ही इज वेरी स्मार्ट। और जो कहते हैं ना ये आपके, हम लोग कई दफ़ा कहते हैं काश हमारी मैं कहती थी एक चॉकलेट्स की एक फैक्ट्री होनी चाहिए, फिर मैं कहती थी चावलों की एक फैक्ट्री होनी चाहिए, फिर कोक की एक फैक्ट्री होनी चाहिए, लेकिन जो खुद जिन मालिक होते हैं ना वो अपने पे कोई भी चीज़ जाया नहीं, नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है जी। हम जो खाएंगे तो उसकी डिमांड क्रिएट होगी, तो हम वो जो घर में भी वही चीज़ खाते हैं जो बाहर लोगों को भी खिलाते हैं, तो वो आज इन्होंने जो, अगर आप इनकी ड्रेसिंग में देखें साथ साथ इनको मैं चूंकि ईजी करूँगी, बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होना चाहिए, कि आज जो इन्होंने टाई पहनी है उससे लगता है जैसे वो बिल्कुल पाकिस्तान का जो परचम, वेरी डिसेंट ग्रीन एंड अ वाइट डॉट, सो बिल्कुल एक वो पाकिस्तानी होने का पूरा सबूत आज इनकी टाई से मिल रहा है। सो दैट्स अ वेरी गुड कलेक्शन। आई ऑलवेज अप्रिशिएट दोज पीपल जिनकी टाई बहुत अच्छी उन्होंने पहनी होती है, एंड क्रेडिट टू यू। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया जी। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने एमबीए फाइनेंस में, एमबीए फाइनेंस में मैंने प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से किया, तो वो मैंने आपको बताया कि इवनिंग में किया, और 2 साल जो थे मैं साथ स्टडीज भी करता था, और वाले साहब के साथ एमबीए किया जी मैंने, फाइनेंस मेजर फाइनेंस में किया जी। तो हिसाब किताब में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जी जी, हिसाब का तो हर किसी, नहीं देखे बंदा जो धोखे करते हैं वो गलती होती है इंसान की, वो बंदा अपनी गलतियों से सीखता है, तो उसी को अपनी जो गलती करता है उसी को अपने तजर्बे का नाम दे देता है। जी जी मैं यही सेम बिजनेस ही कर रहा हूँ अभी। आजकल मैंने अपने जो बिजनेस है थोड़ा अपने छोटे भाई के ऊपर थोड़ा उसके ऊपर फोकस किया हुआ है, क्योंकि मैं फुल टाइम प्रेसिडेंट हूं, तो क्योंकि टाइम जो है ना ये आप एक टाइम पे 2 जॉब्स करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये आपको पता है ये जो प्रेसिडेंट की जॉब है, शादी कब हुई? अभी हम प्रेसिडेंट पे नहीं आएंगे भाई, अभी ये
ग्रेजुएट होके एमबीए हो गए आप, एमबीए के बाद शादी? जी एमबीए मैंने मुकम्मल किया, तो बस मेरी संभले वेरी नेक्स्ट ईयर फिर फादर ने साथ शादी कर। बस अब जो है ना कोई वो आजादी नहीं है, आजाद जितना रहना था। मेरे वाले साहब के जो कजन उनकी बेटी यानी सेकंड कजन आप यू कैन से मुझे, शी इज हाउसवाइफ, टोटली हाउसवाइफ। मेरे हैं जी दो बेटे और एक बेटी जी। जी जी मेरा जो बड़ा बेटा है जी वो स्टडी कर रहा है अब्रॉड में और ही इज डूइंग ग्रेजुएशन कर रहा है वहाँ से आईटी और मैनेजमेंट। बच्चा जो इनका ग्रेजुएशन करना है, सो आपका ये जो ये अर्ली शादी करने का ये फायदा होता है कि पेरेंट्स अच्छी बीवी होने का ये फायदा है, ये अर्ली शादी का नहीं, ये अच्छी बीवी होने का है कि स्टिल ही इज यंग, क्योंकि कहते हैं ना आपकी कामयाबी के पीछे। जी जी बिल्कुल जी, फैमिली का, बेगम का, आपका यानी कि औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है फैमिली को बनाने में और खराब करने में, और अच्छी वाइफ और अच्छी जो बीवी है वो अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत होती है। ज्यादा औरतों से बंदा खराब हो जाता है। मेरा ख्याल एक ही ठीक हो जी, एक हो और बेहतर है जी। हाँ जी बिल्कुल, एक हो जी। ओके, व्हाट्स योर स्टार? मैं जी स्कॉर्पियो हूं। ओके, व्हाट्स योर फेवरेट कलर? कलर आप देख लें, आपको मेरे फेवरेट कलर में ग्रीन एंड ग्रीन है, बस यही जो मेरा ना ग्रे ब्लूइश और इस तरह ग्रीन, ये मेरे ज्यादा फेवरेट कलर है, यही मेरे डेली रूटीन में पहनता हूँ मैं ज्यादा। जब आपका ये हुआ, अच्छा आपका बचपन का शौक क्या था? व्हाट यू रियली वांटेड टू बी, यू वांटेड टू बी अ बिजनेसमैन? जी देखें मेरे वाले साहब बिजनेसमैन थे, तो जब वो बाहर के अब्रॉड जाते थे कोई जैसे कि उम्रे पे चले गए, तो रमजान का महीना होता था, तो वो मुझे मैं जब मैट्रिक की छुट्टियां होती थी या कुछ इस तरह, तो फिर मुझे वाले साहब अपने बिजनेस में बैठा जाते थे, फिर आप जाए देखें थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करें कि कैसे उसको देखना, तो यानी कि समझ लें कि मैं मैट्रिक लेवल से ही थोड़ा थोड़ा अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया था। अच्छा उस वक्त पैसे की आपको कदर थी, क्योंकि जब बाप का पैसा होता तो बंदा कहता है मुफ्ती का है उड़ाई जाओ बस, मतलब देखें ऐसा बात नहीं है कि कदर, बिल्कुल कदर होती है, जो खुद कमाना जब सीखता है तो फिर उसको पता चलता है कदर क्या होती है। पैसे नहीं नहीं, पॉकेट मनी मिलती थी मुझे, ऐसा ये इस तरह का नहीं था कि मेरी जितनी मेरी जरूरत होती थी बल्कि उससे ज्यादा भी मिल जाता था, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन होती है, चेक होता है, अगर बड़ों का चेक हो उसमें बेहतरी होती है, मेरा ख्याल है कि बड़े चेक रखना चाहिए बड़ों को। अच्छा आप पिंडी में रहते हैं, बाइक चलाई है? नहीं मैं बाइक तो मैं यानी बैचलर्स बचपन में थे ना बाइक चलाई थी, बैचलर्स तक बाइक चलाता रहा। देखिए कहते हैं अच्छा वो बाइक चला के कॉलेज के गेट के आगे तो नहीं कहीं खड़े? नहीं नहीं किसी गेट के आगे नहीं, आपको कॉलेज गेट के आगे नहीं खड़े, अगर खड़े हुए हैं तो बस कोई बात नहीं, मैं किसी कॉलेज गेट के आगे नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि हमारा जो कॉलेज था वो समझ लें वो जो स्कूल वाला ही माहौल होता था सर सैयद कॉलेज में, आपको पता यूनिफॉर्म और इस तरह की चीज़ें रिस्ट्रिक्शन थी उस वक्त बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है देखिए उसी से हम बंदा, जब स्टडी आपकी अच्छी होती है आपको सिस्टम अच्छा मिलता है, आपको ग्रूमिंग का अच्छा उसमें मौका मिलता है मेरा ख्याल है। अच्छा ये बताएं कि शेर व शायरी का शौक है? शेर व शायरी का मुझे इतना कोई शौक नहीं है। सो व्हाट इज योर एक्टिविटीज लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या चीज़? देखें जी मैं, मेरा तो पैशन तो बिजनेस ही था शुरू से, फिर जब मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया तो मैं समझ ले रात को बचपन से आमिर साहब जो है ना वो बिजनेस ओरिएंटेड, इसीलिए आज ये माशाल्लाह 2017 के इलेक्टेड प्रेसिडेंट है ऑफ ICCI। ओके फिर आपने बिजनेस इस्लामाबाद में किया? जी बिजनेस मैंने इस्लामाबाद में किया, थ्रू आउट पाकिस्तान हमारा अल्लाह के फजल से बिजनेस है, हर जगह पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। ये घी का, घी का हमारा शाहताज के नाम से ब्रांड है, फिर शुगर का हमारा एक काम होता है शुगर मिल्स के साथ, उनकी सारी प्रोडक्शन उठाते हैं हम लोग। आजकल जो शुगर मिल का बड़ा मसला चल रहा है कि किसानों को जो शुगर है उसकी जो एक्चुअल, हाँ उनको एक्चुअल प्राइस नहीं मिल रही थी खास तौर पे, जो ये इस साल से शुरू हुआ है, क्योंकि पिछले साल हमारे मुल्क में बम्पर क्रॉप थी और जो है हमारी जो शुगर की जो शुगर केन की वजह से फिर हमारी शुगर जो है सरप्लस हो गई थी, और हुकूमत ने जो टाइमली डिसीजन ही किया एक्सपोर्ट के वाले से, जब डिसीजन करने से पहले मार्केट प्राइस थी कोई $500 के करीब, जब वो डिसीजन किया तो उस वक्त प्राइस थी कोई $350 के करीब, तो फिर हमें हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ी एक्सपोर्ट करने के वाले से, 5 लाख टन की इजाज़त दी गई एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो एक्सपोर्ट थोड़ी बहुत हो सकी, हो भी गई, लेकिन हमारे मुल्क में सरप्लस थी शुगर, उस वक्त भी 15 लाख टन शुगर सरप्लस थी जो इस साल कैरी फॉरवर्ड हो गई। अब अभी उन्होंने 15 लाख टन की इजाज़त दी है, लेकिन उससे भी प्राइस जो है वो नीचे है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है,
तो फिर इसी वजह से वो ग्रोवर को भी पेमेंट नहीं हो पा रही होती है और इस वजह से सिर्फ किसान को नुकसान हुआ है या ओवरऑल सारे नहीं, इसमें किसान को नुकसान हुआ है, शुगर इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, जो शुगर के साथ रिलेटेड लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, सबको पिछले साल काफी हैवी लॉस हुए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कुछ अरसे पहले जो है वो चीनी जो है वो इंपोर्ट करानी भी पड़ी थी, इन्होंने सारी बाहर भेज दी थी। उस वक्त तो होता जी शुगर की जो थी ना शुगर केन की कोई क्वालिटी खराब हो गई थी, 2000 या 2001 की बात बता, उस वक्त बाहर तो हमारी चीनी नहीं गई थी, बाहर से मंगवानी पड़ी। 2006-07 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, तो उस वक्त चीनी उस वक्त भी बहुत हो रही थी, बाहर से आ रही थी। उसमें ये हुआ था कुछ हमारे जो बाहर से आने वाले जहाज थे कुछ लेट हो गए थे, उन उस वजह से फिर शुगर का क्राइसिस आया था। लेकिन वो हुकूमत तो उस वक्त की जो हुकूमत थी और हम लोगों ने मिल के उस क्राइसिस को ख़त्म करवाया था और बड़े हंगामी बेसिस पे समझ ले 24 घंटे हम लोग काम करते रहे शुगर की सप्लाई को पूरे मुल्क में पहुँचाने के लिए। उस वक्त शुगर की पर किलो के हिसाब क्या था, कितने की थी उस वक्त की प्राइस? मेरा ख्याल है कोई 23-24 रुपए किलो, फिर उसके बाद माइक थोड़ा सा 23-24 रुपए किलो थी प्राइस उस वक्त, 24 रुपए के अराउंड थी, फिर उसके बाद बढ़ के कोई 32-33 रुपए हो गई, क्योंकि गन्ने की ये स्पॉट प्राइस के हिसाब से इसको मेंटेन किया जाता है शुगर की प्राइस को। जो पहले 100 रुपए मान होता है, फिर 120 था, फिर 140, 150, आजकल 180 रुपए मान गन्ने का। उससे ये शुगर की प्राइस जो बनती है वो वैसे 55 रुपए किलो की कॉस्ट आती है, लेकिन इस वक्त अंडर जो है प्राइस बिक रही, क्योंकि एक्सपोर्ट की सब्सिडी मिली हुई है और ये कोई 48 रुपए के किलो प्राइस है जी। अच्छा ओके, अभी कितना है अभी जो मार्केट में? मार्केट में तो 51 के करीब होगी रिटेल। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वो ऊंचा बोलना पड़ेगा जी। मार्केट में इस वक्त जो रिटेल प्राइस है वो तकरीबन 51-52 के अराउंड होगी रिटेल, और जो कस्टमर को कितने में मिल रही है? कस्टमर को 51-52 मैक्स 53 तक मिल रही होगी। 2001 और 2017 में पूरे डबल हो गए। उसमें गन्ने को हमने जो हमारे फार्मर्स है ना ग्रोवर्स को इंसेंटिव दिए ना, जो प्राइस आप समझ लें उस वक्त 100 रुपये मंथ थी गन्ने की प्राइस, अब 180 रुपये मान है या 80 रुपये मंथ थी तो 180 होगी, तो 100 रुपये हमने इंसेंटिव अपने फार्मर और ग्रोवर को दिए। अच्छा ओके। अच्छा अगर हम घी की बात करते हैं तो ऑयल जो है वो भी चीनी घी पाकिस्तान का जो जिस तरह गजा का वो है, कहते ना रोटी कपड़ा और मकान तीनों का बिजनेस यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कामयाब बिजनेस है मेरे ख्याल में लोगों को, और वो अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में देखें तो जो सबसे लो लेवल होता है ना उसमें अगर लोगों को रखा जाता है तो वो है रोटी यानी फूड, आपका शेल्टर और आपका जो उसे क्या कहते हैं आपका फूड है, आपका शेल्टर और आपकी क्लोथिंग है। तो अच्छा टेक्सटाइल की भी कंपनी है, टेक्सटाइल जो हमारा कपास है वो जब मैं सुनती हूँ मलेशियंस को या जितने बाहर के जो एम्बेसडर्स हैं तो वो बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारी जो कपास है या हमारा जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा यानी अच्छा है, बट रॉ मटेरियल में ये बाहर जाता है और फिर वहाँ से ठप्पे लग के आते हैं यहाँ पर। नाइकी की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पहले यहाँ पाकिस्तान में भी रही है, तो टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है वो अभी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हो रही? असल में जी इसमें ये है कि सबसे पहले तो हम टाइम टू टाइम हम जो इस पर हाइब्रिड सीड्स होते हैं या जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं उनको ग्रो नहीं किया गया, इस पर हमारे जो हैं जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने तवज्जो इतनी ज़्यादा नहीं की। इसमें पिछले कई सालों से इस जो है इस फसल में बीमारी का मसला हो जाता है, कोई ना कोई इस पर वायरस आ जाता है या कोई ना कोई इसमें बीमारी आ जाती है जिससे फसल भी ख़राब हो जाती है। उसमें ये आता है कि फिर हमारे जो क्राइसिस आ जाता है, जो हमें परचेज़ हमें हाई प्राइस पर करनी पड़ती है कॉटन, फिर आगे हम कम्पिटिटिव नहीं रहते इंटरनेशनल मार्केट में। फिर दूसरा ये होता है कि हमारी जो बिजली और गैस और तो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से जो है हम कम्पिटिटिव नहीं रहते और हमें जो एक्सपोर्ट करने में मुश्किल होती है। मतलब हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है? देखें फैसिलिटीज़ देखें आप इस वक्त आप हमारे जो करीब तरीन मुल्क हैं इंडिया बांग्लादेश उनमें तकरीबन 8-9 सेंट है बिजली का रेट, हमारे मुल्क में 15-16 सेंट, टोटल डबल डबल के करीब है। अब ये बताएं कि फिर उसके अलावा लेबर उधर चीप चले, लेबर का तो इतना बड़ा इशू नहीं होता, आप ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा हो गई पूरी दुनिया में, आपको ऑटोमेटिक मशीनरी में इतना ज़्यादा लेबर इतना ज़्यादा नहीं होती,
थोड़ी इन्वॉल्व होती है, लेकिन आपकी माइक की आवाज अभी भी थोड़ी सी वो हो रही है, आप चेक करें। जी 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 जी। अच्छा, तो उसमें ये जो है हमारी सबसे बड़ा जो मसला है, हम कम्पिटिटिव नहीं होते, इस वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी पिछले 3-4 साल से डाउन हो रही हैं और हमारी इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं। हम अपने मुल्क को ट्रेडिंग कंट्री बनाने की पोजीशन में आ रहे हैं, ना कि हम इसको जो है मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, हम किसी बंदे को या किसी को इम्प्लाई करेंगे या हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे इस मुल्क में, लोगों को इंसेंटिव देंगे। अब एक बंदा इंडस्ट्री लगाता है उसको तकरीबन 52 से 55 इदारों को सामना करना पड़ता है। 52 से 55 इदारों, 52 या 55 इदारे हैं जिनके 55 इदारे हैं जिनको ये सबसे पहले बिफोर स्टार्ट हमें इनको जो है ना फेस करना पड़ता है। देखें, अब हमने अपना एक बंदा नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले वो 27% तो इनकम टैक्स और वो सेल्स टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स की शक्ल में दे देगा अगर वो मशीनरी इंपोर्ट करेगा। तो अब जब बिजनेस शुरू किया नहीं है तो पहले एडवांस में ही वो टैक्स दे देगा, तो 27% तो उसकी यही कॉस्ट पड़ गई। आपने अगर बिजनेस स्टार्ट करना है और फिर हलाल, हाँ जी, तो हाँ फिर आपके पास, अच्छा अगर एक नॉर्मल चलेगी आपका, ओके 27% टैक्स पहले दो, उसमें 27% 17% सेल्स टैक्स है, कोई एडवांस इनकम टैक्स है, कुछ और टैक्सेस डाल के, उसके बाद फिर उसके बाद जब वो 27% दे देंगे, फिर जब वो आप स्टार्ट करने से पहले आपको फिर वापडा से आपको करना पड़ेगा, फिर सुई गैस से करना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी है, EOPI है, लेबर डिपार्टमेंट्स है, फिर आप यानी कि आप फिर ये आपकी जो जो क्या कहते हैं उसको क्वाइट डिस्टिंग्विश्ड वाले और पता नहीं कितने कितने आपके इदारे हैं, 55 के लगभग आपको मुख्तलिफ इदारों से जो है वो इसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। ओके, ये इजाज़त ले ली, इजाज़त ली है, फिर जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फिर अगर आपने देखें लोगों को एम्प्लाइज किया है या लोगों को रोज़गार दिया है। अब देखें, दूसरे मुल्कों में ये है कि अगर आप 100 लोगों को रोज़गार देते हैं तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, आप 200 को अपना एम्प्लाई करते हैं, अपने पास नौकरी देते हैं तो इतना, यानी कि जितने ज़्यादा लोगों को देते हैं उतने ज़्यादा लोगों का वो इंसेंटिव आपको गवर्नमेंट देती है। पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, टीज ऑफ डूइंग बिजनेस है, सो जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में मोस्टली इंडस्ट्रीज, तो इसकी वजह से लोग जो है वो लेन देन का चक्कर जाता है। देखें, असल में टाइम फैक्टर जो होता है ना किसी भी बिजनेस के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और जो बिजनेस मैन होता है वो टाइम की जो मैनेजमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए अपने बिजनेस को। अब देखें, एक बंदा उसने इन्वेस्टमेंट अगर कोई 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है तो उसने एक साल में उसका टाइम है कि जी मैंने एक साल के अंदर अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। जब उसका वो बिजनेस स्टार्ट नहीं होता तो वो उसने हो सकता है वो बैंक से लोन लिया हो तो उस पर उसकी कॉस्ट डे बाई डे बढ़ती जाती है। तो इस वजह से आप लोगों को हमें इंसेंटिव देना चाहिए। इधर हमारे मुल्क में देखें, अब CPAC आ रहा है, इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आके डेली बेसिस पे विजिट कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पे चाइनीज़ आ रहे होते हैं। अभी तक देखें कोई इतनी कोई बड़ी इंडस्ट्री कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई अभी तक। इसकी वजह यही है कि हमें उनको लोगों को आसानियाँ देनी चाहिए, लोगों को आसानियाँ पैदा करनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क में जो बिज़नेस ग्रो करे, लोगों को रोज़गार मिले, फिर हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ माइल हो जाए। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद हूँ CPAC के बाद हमारा मुल्क जो है काफ़ी आगे जाएगा, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों को परेशानी है कि CPAC में क्या होगा, आया हमारे लोगों को जो हमारे पाकिस्तानीज हैं उनको वो इंसेंटिव मिलेंगे जो चाइनीज़ को या दूसरे लोगों को मिल रहे हैं, उस पर अभी तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। मैं होपफुल हूँ इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करेगा कि ये इससे बेहतरी की तरफ हम जाएंगे, लेकिन लोगों को इसमें ओपन करना चाहिए, लोगों को बताएं कि हमने किस टर्म्स पे लोन्स लिए हैं, किस टर्म्स पे लोगों को हम जो अपना चाइना से हमने किस टर्म्स पे अपना जो ग्रांट लिए वो कैसे लिए, वो हमने वापस कैसे करनी है, वो जो हम कंस्ट्रक्शन के काम, रेलवे के काम, जो भी हम काम कर रहे हैं वो उस पर हमने किस किस कंपनी ओपन होना चाहिए। तो इस पर अभी हुकूमत को ये चाहिए, मैं अब उनको ये गुजारिश करता हूँ कि ये चीज़ें लाजमी ओपन करें। मैं पिछले दिनों एक और कंट्रीज़ के एम्बेसडर के साथ बैठा हुआ था तो वो बता रहा था कि जी CPAC में हम लोग भी आना चाहते हैं, लेकिन हमें आप बताया जाए कि ये कैसे, ये किसी जगह पे किसी ऐसी वेबसाइट पे इसके कोई इंसेंटिव हमें सामने नज़र नहीं आ रहे। हालांकि देखें, हमारी हुकूमत ने 10 साल का इंसेंटिव दिया है, जो CPAC स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ रहे हैं उसमें 10 साल का इनकम टैक्स का बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि जी कोई बंदा 2020 तक इंडस्ट्री लगा लेगा तो उसको 2 अपने 10 साल का इनकम टैक्स फ्री होगा।
तो इसको हमें ये इसको मार्केट करने की जरूरत है हमारे, हमने जो अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन है अगर उनको कामयाब करना है तो हमें उनको हमें इसको मार्केट करना है ना। अब कोई भी चीज़ आपने बेचनी होती है तो उसको मार्केट करना पड़ता है या बेचने के लिए मार्केट करना पड़ता है। जैसे कि वो एक उर्दू में कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। हम लोगों को दिखाएंगे तो बेचेंगे ना कुछ, तो अभी तक कुछ दिखाया नहीं तो बेचेंगे कैसे इसको। तो ये चीज़ है कि हमें इस पर थोड़ा सा इसको ओपन करने की ज़रूरत है और हर बंदे की एक्सेस इस पर। अच्छा, अब आप माइक मुझे देंगे और ये अपने लिए चाय जो है वो रेडी करेंगे। चाय आपके पास ग्लोरिया जीन्स की आ गई है और शुगर डालें। अब देखें इनके पास है ना, हम भी इनको शुगर प्रोवाइड करके दे रहे हैं। बहुत अच्छा। इनसे अभी हम ये पूछेंगे, आई रिमेम्बर कि जब से सी पैक आया है चाइनीज बहुत ज़्यादा आपको इस्लामाबाद में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा जब तक ये थोड़ा सा करते मैं इनसे क्वेश्चन करूँगी ताकि इनको पता लगे। और ओनली रीज़न वाई आई एम सिटिंग फ्रंट साइड पे इसलिए मैं बैठी हूँ ताकि मेरी आवाज़ जो है वो डायरेक्ट उस पर जाए। और अभी हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल देखिए ये ऐसा है जैसे स्मॉल चेम्बर्स का जो बच्चा है वो बड़ा होता है और उसके पास माइक हो। बिल्कुल जनाब, हम बिल्कुल मैं वो बंदी हूँ जो मीडिया से हूँ और मुझे आज कदर बहुत आती है कि कौन बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे मिलती हैं आपको पता भी नहीं चल रहा होता। तो हम आपसे ये पूछेंगे, जैसे आई रिमेम्बर 2013 में मलेशिया में एक बहुत ज़्यादा मैंने प्रोडक्ट जो है वो अपना जो है वो सैम्पल्स दिए थे और वहाँ से एक बिज़नेस मैन आया था और हम लोग मुल्तान भी गए थे, फैसलाबाद भी गए थे, लाहौर भी गए थे। और एक बहुत ज़्यादा जो बड़ा जो टेक्सटाइल है मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो रेडीमेड ड्रेसेस है वो चाइना से करते हैं। वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। लाइक आपको आप समझें कि अगर आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फॉर एग्जांपल 25 लाख पर मंथ है वो आपको 50 देंगे तो आपका जो बर्डन है वो आपको हर हालत में डबल लेना पड़ता है। दे वांटेड टू हैव एन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान जो उसके बाद उन्होंने एक प्रोसेस में देखा और वो पाकिस्तानी है जो बचपन से वहाँ पर रह रहे हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि नादिया आपने मलेशिया आना है और फिर चाइना जाना है और फिर हम पाकिस्तान में करेंगे। तो ओनली प्रॉब्लम वॉज कि जब आप यहाँ इंडस्ट्री भी लग गई सब कुछ हो गया लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करते हैं जो प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा टफ है, प्रॉब्लम आती है उसमें। हम उसमें भी बात करेंगे कि जो जैसे डिज़ाइनर हैं या जो वो फिर किस तरीके से रास्ता करें। आप अच्छी अच्छी बातें भी बतानी है। अभी तो जनाब पहले से इन्होंने डरा दिया कि 55 जो है आपको वो करने पड़ेंगे। काम की ठान लेते हैं तो चीज़ें आप कर लेते हैं। फिर आपका मेन आता है कि हमने जब इतना पैसा लगा लिया तो हमें बैक रिकवरी कैसे आएगी, क्योंकि फिर आप अदरवाइज़ अगर आपने लोन लिया हो या आपने इधर उधर से लिया हो तो जिस दिन आपने काम स्टार्ट किया बिजनेसमैन या पार्टनर्स या लोग जो हैं वो आपके पैसे को वापसी कर देखते हैं। वो हमेशा सबसे पहले पूछते हैं वापस कितना आएगा, फ़ायदा कितना होगा। ये नहीं कहते कि जब अल्लाह काम चल जाए कुछ हो जाए, नहीं। वो शुरू में तो सारे बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे ही जैसे वो जब रिश्ता करें तो शादी से पहले सब बड़ा ज़बरदस्त हो रहा होता है और जो ही शादी हो जाती है उसके बाद जनाब पता लगता है कि ये तो मतलब वो क्या कहते हैं वो लड्डू ऐसे हैं कि जो वो खा भी नहीं सकते और निगल भी नहीं सकते और मतलब वो क्या कहते हैं वापस भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब जो हम मेन उस पर आएंगे कि आपने दोबारा से बताना है, हम वापस आते हैं जनाब कि आमिर साहब जो हैं वो उन्होंने किया और प्रेसिडेंट बनने तक का जो सफ़र है, फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि आप कैसे क्यों कंपनीज़ को जो इस्लामाबाद जो मैंने पूरे पाकिस्तान में देखा है हर गली कूचे में एक बिज़नेस हो रहा है। अब तो बच्चे भी मोबाइल का बिज़नेस कर रहे होते हैं, मैंने लेना देना जब कर रहे थे बट कोई रजिस्टर्ड नहीं है, बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं आपको वो भी नहीं पता, जो बाहर एग्जिबिशंस होती हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी एक साथ जाती है और थ्रू प्रॉपर चैनल जाती है ताकि जब आप बाहर काम कर रहे होते हैं तो आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ये भी आप बताएंगे। तो आमिर साहब आप साथ साथ चाय पियेंगे और एक हाथ में आपने माइक पकड़ना है और फिर आपने बताना है कि आपका जो सफ़र, आप बिजनेसमैन भी हो गए, बचपन में मैट्रिक से इन्होंने शुरू किया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए और जवानी जो है वो भी साथ साथ जा रही थी और साथ साथ आपका बिजनेस भी आ रहा था,
कभी हुआ कि लोगों ने बिजनेस में आपको धोखा मिला हो और फिर आपने या आपके पेरेंट्स ने और फिर आपने उसको होता है ये बिजनेस में हर अच्छे बड़े बिजनेसमैन के साथ ये होता है, तो आपने उसको लोगों को बताना है कि उसको रिकवर बैक कैसे करते हैं, उसको यानी उसको कहते हैं ना असाब को जो कंट्रोल, क्योंकि जो हमने बिजनेस कम्युनिटी में सुना है मार्केटिंग के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जब आप MBA कर रहे होते हैं तो आपको सब हलवा नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब आप मार्केट में आते हैं तो आधे ज़्यादा आपको हलवा जो है ना उसके अंदर पत्थर ज़रूर मिल रहे होते हैं, तो उन पत्थरों को कैसे हटा के जो है ना मीठा हलवा कैसे खाया जाए, और पेशेंस जो है ना वो आसाब का जो जब आपका नुकसान होता है तो आसाब पे कंट्रोल करना आपने यंगस्टर्स को बताना है, बिकॉज सोशल मीडिया जो है ना वो ज़्यादा यंगस्टर्स होता है, तो ऐसे टिप्स भी आपने साथ साथ देनी है ताकि जो आने वाले जितने बिजनेसमैन हैं और जो इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी में हैं उनको पता लगे कि कामयाब बिजनेसमैन बनने का और आपका यहाँ तक प्रेसिडेंट बनने का जो सफ़र है वो भी आपने साथ साथ बताना है। सबसे पहले तो देखें, आपने जैसे बताया कि इंसान को देखें धोखे तो काफ़ी मिलते हैं और उसमें संभलना भी होता है, समटाइम्स बंदा जो है ना जो आपको मैं पहले भी बताया कि जो बंदा जो गलतियां करता है उससे वो सीखता है, तो हमारे बिजनेस में एक सबसे बड़ा एज हमें ये था कि हमारे समले दादा से वाले साहब से हमें काफ़ी विरसे में चीज़ें मिली हुई हैं, उसमें ये था कि हमें बिज़नेस करने में थोड़ी सी आसानी हुई, उन्होंने जो हमें बिज़नेस के आइडियाज़ बताए थे या जो उन्होंने मार्केट में जिन लोगों से मिलके बिजनेस करते थे, तो हमें एक समझ एक जो है खेलने के लिए एक जो फील्ड थी वो बड़ी आसानी से थोड़ी सी मुझे खास तौर पे मैसर हो गई थी, तो उसको बढ़ाने में तो मैंने उनका बहुत ज़्यादा मैंने उनका हाथ बटाया। बाकी देखें ये एक होती है लालच, सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब तक वो कहते हैं लालच आपके अंदर होती है ना तो वो फिर वो जो आपको फ्रॉड करने वाला वो भूखा नहीं मर सकता, वो ये कहते हैं जब तक लालची जिंदा है फ्रॉडिया भूखा नहीं मर सकता, मतलब जब तक लालच, भाई आज आपने जबरदस्त बात की, जब तक लालच जिंदा है या 1 साल के अंदर पे बैक हो जाएगा। पिछले दिनों एक वो आया था, वो फ्रॉड किया था कि जी हम आपको 1 लाख के पीछे 5,000 रुपया देंगे, वो उन्होंने मार्केट में बड़े बड़े जो है ना छोटे छोटे स्टोर भी खोले जो पिछले कोई 4-5 साल पहले, लोगों को यानी कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ उनके साथ, तो आप देखें 1 लाख के पीछे 5,000 रुपए पर मंथ कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव, मोबाइल पे आता है कि आप इतने पैसे जीत गए, ठीक है, फिर आप जैसे मोबाइल की बात हो रही है कि जी वो आप कहते हैं जी आपने जी बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम में आपका जब 30,000 रुपए निकला है, आपने कभी अप्लाई नहीं किया तो निकल कैसे आया, ठीक है जी, लेकिन मुफ्त में सब जाते हैं, ठीक है, फिर उसके अलावा आपको बताते हैं कि जी जीतो पाकिस्तान है, जी जीतो पाकिस्तान में जी आपका मोटर बाइक निकला है, कभी आपने अप्लाई नहीं किया या किसी जगह पे गए नहीं तो आपका बाइक कैसे निकला है, ठीक है, बाइक ऐसी चीज़ ठीक है जी, फिर जी आपका जी ये मोबाइलिंग की तरफ से जी गाड़ी निकल आई है जी, आप वो फिर बंदा फोन करता है आपको, इसी तरह वो टोन आ रही होती है कि जी आपकी गाड़ी निकल आई है, आप लिहाजा एक काम करें 20,000 रुपये भेजें गाड़ी का किराया, हम आपको गाड़ी भेजें, तो वो उस चक्कर में भी लोग फंस जाते हैं, लेकिन वो बस फ्रॉड वो देखें बड़े कैलकुलेटेड करते हैं और बड़ा सोच समझ के करते हैं और लोग फिर वो उसके झांसे में आ जाते हैं, तो उससे बचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये देखें एक प्रॉफिट एक हद तक हो सकता है, इतना बड़ा प्रॉफिट कहीं पूरी दुनिया में भी नहीं होता, अब अगर बैंक आपको 5% साल का दे रहे होते हैं तो किस वजह से दे रहे होते हैं, इतना बड़ा इंसेंटिव तो नहीं है, यानी कि आप 1 साल में 1 लाख के पीछे 5 या 6 हज़ार मिल रहा होता है तो आपको महीने में 5-6 हज़ार कौन दे सकता है, बड़ी सीरियस बातें चल रही है जनाब, ये मुझे बताएं आप चाय और धूप एंजॉय कर रहे हैं, जी बिल्कुल मैं एंजॉय कर रहा हूं, कभी आज तक आपने ऐसा टाइम और ऐसे टाइम पे बातें भी सख्त हो रही हो, दुनिया भी आपको सुन रही हो लेकिन आपको कोई पूछ ना रहा, और दूसरी बात ये होती है कि जी बिजनेस में सबसे पहले चीज आपने ना अपनी एक नीयत होती है बंदे की, इंसान की ना उसको पॉजिटिव रख के चलना है, और फिर उसके बाद आपकी है कमिटमेंट कि जो आपने कमिटमेंट करनी है उसको, चाहे उसमें आपको फ़ायदा है नुकसान है, जो आपने वर्ड एक होता है ना जबान से एक लफ्ज़ निकाल दिया है तो उसको आपने ऑनर करना है, चाहे जो आप बात कर लें उसको ऑन करें तो फिर उसके बाद आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बन जाती है, बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी बन जाती है, फिर आपको फिर पैसा अपना लगाने की जरूरत नहीं होती, फिर लोग आप पे पैसा लगाते हैं, जब आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है ना
फिर आपको सिंगल एक पैनी की भी जरूरत नहीं होती। आप साथ साथ चाय भी पिए, साथ साथ बल्कि हाँ इस पे आप ये कर लें और साथ साथ चाय पिए। ये मुझे बताएं कि आपको एक्सपीरियंस टोटल बिजनेस का, प्रॉपर बिजनेस में आके कितना हो गया, कब से स्टार्ट? मैं समझ लें ग्रेजुएशन जब से की है मैं, उस वक्त से आप समझ लें लेडी तो नहीं, हम पूछेंगे तो हम कुछ हिसाब। 20 साल हो गए मुझे, 20 साल यानी 20 साल के बाद ये आज प्रेसिडेंट माशाल्लाह बने, बिजनेस से प्रेसिडेंट होने का सफर। देखें उसमें ये था कि मेरा शौक़ था कि मैं अपने जो बिजनेस कम्युनिटी है उनकी कोई खिदमत करूं, उनके लिए कुछ काम करूं कुछ, तो मुझे सबसे अच्छा जो इदारा था वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगा सबसे पहले। फिर जब मैं पिंडी में था, पिंडी चैम्बर में इन्वॉल्व हुआ, तो वहाँ पे मैंने कोशिश की एंटर होने की तो लेकिन नहीं हो सका वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं जब इस्लामाबाद में हमने ऑफिस शिफ्ट किया, इस्लामाबाद में जब शिफ्ट किया तो फिर मैंने इस्लामाबाद चैम्बर की, हमारी मेम्बरशिप तो थी बहुत पुरानी, मेरे वाले साहब के नाम थी, 89 से चल रही थी इस्लामाबाद चैम्बर की मेम्बरशिप, वो फिर मैंने अपने नाम कन्वर्ट कराई। फिर मैं इस्लामाबाद चैम्बर में थोड़ा इन्वॉल्व हुआ, जब इन्वॉल्व हुआ तो हमारे जो बड़े हैं चैम्बर के, जो हमारे जो करता धरता हैं जिन्हें, उनके साथ थोड़ा इन्वॉल्व हुआ। फिर मैंने चैम्बर में जो चैम्बर की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के बाद लोगों के काम करने शुरू किए चैम्बर में जाके। उस वक्त तो ये देखें, ये एक दिन में आप प्रेसिडेंट वो नहीं, आपको भी कोई भी बनाता, वो आपकी क्वालिटीज़ को, आपकी वो जो चीज़ें हैं वो देखते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे वो लेके चलते हैं। तो फिर मैंने लोगों के काम किए, जो भी कोशिश थी कि कर सकूं, FBR में कोई इश्यूज़ होते थे तो उधर चला जाता था, साथ थोड़ा थोड़ा टाइम बिज़नेस के साथ चैम्बर को भी देना शुरू किया। तो पिछले 8-10 साल से समझ लें मैं चैम्बर को भी थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा था। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि जो मैं बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी से जब बात करती हूं तो वो कहते हैं इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। यू नो, मैं एक बात करूंगी कि आई फील वेरी प्राउड द डे फर्स्ट जब मैंने 2012 में काम शुरू किया और मेरा पहला एक्सपोर्ट था, मैंने इंग्लैंड में एक्सपोर्ट किया था, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर की थी, NTN नंबर लिया था और प्रॉपर जो एक कहते हैं ना जो टैक्स पेबल वाला, तो मुझे सबने कहा था ये क्यों कर रहे हो ना, आई सेड नो ये हो नहीं सकता, ये तो आप अपने मुल्क से गद्दारी करते हैं कि अगर आप टैक्स की मद में या लोगों को बताते नहीं, क्योंकि आप एक जायज काम कर रहे हो तो आपको कोई नहीं है मसला। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो मैंने एटलीस्ट अपना एक्सपोर्ट करने से पहले अपनी कंपनी रजिस्टर की थी और वो अल्लाह ने शायद कराई, लेकिन मेरा एक था कि जो मर्जी हो जाए उसको मैंने करा। देखिए जे मैं मेरा तो इस पे ईमान और बिलीव है, देखिए टैक्स जो देता है ना वो तरक्की करता है, जो टैक्स नहीं देता वो फिर वो कुएं का मेंढक ही बन के रह जाता है और वो निकल ही नहीं पाता। देखिए मैंने मिसाल है कि किसी बंदे ने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके पास वाइट पैसे होंगे तो प्रॉपर्टी खरीदेगा ना, बिजनेस करेगा, टैक्स देगा, उसके पास प्रॉफिट में उसके पास कैश इन हैंड या उसके पास कोई पैसा होगा तो प्रॉपर्टी परचेज करेगा, कोई गाड़ी परचेज करेगा या कोई और एसेट परचेज करेगा। उसके पास होगा ही नहीं तो वो क्या करेगा, किसी के नाम तो नहीं रख सकता वो, जिस तरह वो लालच वाली बात है किसी और के नाम रखेगा वो गाड़ी गायब कर देगा, उसका प्लॉट ही गायब कर देगा। तो लिहाजा टैक्स देना चाहिए, ये हमारे मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर द कंपनी, क्योंकि आधे से ज़्यादा इस वक्त आपके ख्याल में कितने परसेंटेज लोग हैं जो जिनके रजिस्टर्ड है? देखिए मैं आपको बताऊँ, ये इतना ज़्यादा ये अलार्मिंग है कि हमारे मुल्क में 0.5% जो है, 0.5 1% भी लोग जो है वो टैक्स नहीं देते। 0.5% जो है, बल्कि वो भी 1% भी जो है वो टैक्स नहीं देते। और कितनी जितने पाकिस्तान में बिजनेसेस हो रहे हैं कितनी जो है वो रजिस्टर्ड है? मैं ये देखे ना तकरीबन हम साए में जनाब काम चल रहा है इस वक्त, वो भी अच्छा ओके, कितने परसेंट होगा जिनका रजिस्टर्ड ही है? मैं ये बता रहा हूँ कि जी आप 0.5% में 10 या 12 लाख लोग 20 करोड़ की आबादी में टैक्स दे रहे हो तो फिर आप देखेंगे क्या इसका परसेंटेज, तो मैंने आपको पहले बता दी। तो टैक्स देना चाहिए और ये हमारा हक है, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स देना बड़ा ज़रूरी है। देखिए टैक्स देंगे हमारे मुल्क में तरक्याती काम होंगे, हमारे मुल्क में एजुकेशन आएगी, हमारे मुल्क में हेल्थ बेहतर होगी। तो हम ये समझते हैं कि हम टैक्स ना दे के हम अपना खुद कर लेंगे, तो जब खुदा ना करे जब कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर बड़ी मसला होता है, प्रॉब्लम आती है। अब हॉस्पिटल्स में आप प्रॉपर मेडिसिन नहीं होती, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, उनको वहाँ पे फर्नीचर तक अवेलेबल नहीं होता, इवन वॉशरूम्स तक स्कूल में अवेलेबल नहीं होते।
तो ये टैक्स ना देने की वजह है, टैक्स दे जो टैक्स देने का एक प्रोसेसर आप चाहे भी दिए। देखिए टैक्स का एक जो बहुत लेम एक्सक्यूज देते हैं, देखिए हमने अपनी नीयत से चलना है और उसको कौन क्या यूज़ कर रहा है, उसको यूटिलाइज कर रहा है, उसको गलत तरीके से लेके जा रहा है, ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अल्लाह ने आपकी नीयत और आपकी कोशिश देखनी है। तो हम ये कह देते कि जी टैक्स को सही जगह पे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, इसलिए व्हाई वी जस्ट गिव द टैक्स। बट प्लीज़ फॉर गॉड से, इवन सबको पता है कि मैं इस वक्त किस पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, लेकिन टैक्स देना इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपसे देर सवेर भी हो गई है तो इवन गवर्नमेंट आपको बहुत सारे जो है ना वो आपको ईज भी देती है। अगर आपका नुकसान होता है तब भी वो आपको ईज देती है, ये मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत सारे जो जो चेंबर्स के लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं वो आपको एक्चुअली बहुत सारे ऐसे तरीक़ेकार बताते हैं जिसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। और दे आर बेसिकली सिटिंग टू गिव यू एडवाइस, टू गिव यू अ सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। इट्स नॉट जस्ट कि आप टेबल पे बैठे और आप आएँ और आप चाय पिए और आप जा रहे हैं, एग्जीबिशन या बाहर जाना नहीं है। लेकिन और दूसरा साथ साथ इसके में बात करते हैं कि आप चाय के साथ साथ पीते जाए। एक जो चीज़ है कि आपने जब कंपनी रजिस्टर करेंगे तो आप अब देखिए अब ग्लोबल है हमारा, ग्लोबल टाइम है, अभी उन्होंने जाना भी है, टाइम भी साथ साथ देख रहे हैं, हमारा ग्लोबल है, आपको एक्सपोर्ट करने का दिल करता है, इंटरनेट का ज़माना है। आप देखें अब आप चीज़ें इंटरनेट के थ्रू आप देखें, ई कॉमर्स हो गया है। आपका पूरी दुनिया जो है ना एक समय सिमट गई है, समय एक छोटा से एरिया में सिमट गई। और आप अपनी अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है, आप ई बे पे लगा दें, अली बाबा पे लगा दें, अली एक्सप्रेस पे अपनी चीज़ें लगा दें, तो अभी आपके पास अपनी चीज़ें मुल्क से बाहर भेजने के भी बहुत ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिल रहे हैं और उस पर टैक्सेस भी बहुत कम है। ठीक है, अगर हम देखें ई कॉमर्स पे पिछले दिनों हमारे पास एक कंपनी आई हुई थी, उन्होंने बड़ी अच्छी डिटेल दी कि हमें हमारी जो FBR भी हमें हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, वो इंसेंटिव्स दे रहे हैं लोगों को ई कॉमर्स के ऊपर भी। तो अब दौर यही है कि मोबाइल ऐप्स का अब दुनिया सिमट के आई टी का दौर है, और मेरा ख्याल है कि हमें वक्त की रफ्तार के साथ चलना चाहिए। अगर वक्त की रफ्तार के साथ नहीं चलेंगे तो हमारा हाल भी नोकिया जैसा ही होगा। ठीक है, अच्छा ये बताएं चेंबर्स जो है वो बिजनेस कम्युनिटी को कोई कोर्सेज कराने का सोचा है कि जी की कोर्सेज देखें हमारे जो स्किल लोगों सेमिनार्स तो ऑफ एंड ऑन चलते रहते हैं और लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोग बताते रहते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 इवेंट हमारे ये इसी तरह के अवेयरनेस के होते हैं हमारे चैम्बर में। जो बैरन अकवानी यानी कि जो सफीर हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, वो टाइम टू टाइम जो है वो इस्लामाबाद चैम्बर्स में आते हैं। और जो जितने लोग जब ऑफिशियली जब जिस मुल्क से पाकिस्तान में आते हैं तो उनका एक दौरा जो है वो इस्लामाबाद चैम्बर्स या पिंडी चैम्बर नहीं, वो सारे का सारा चैम्बर्स में होता है। उसमें ये होता है जी कि इस्लामाबाद चैम्बर है ना, ये डिप्लोमेट्स को जब विद इन द इस्लामाबाद जो है ना घूमने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई NOC लेना नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर अगर पिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, सियालकोट किसी जगह पे भी अगर उन्होंने जाना होता है, उनको एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स को फॉरेन ऑफिस से NOC लेना पड़ता है। और वहाँ पे जाने के लिए उनको एनवायरनमेंट पहले चेक करना पड़ता है कि जी हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर है तो फिर जाएं। तो उसको विद इन द इस्लामाबाद बीइंग अ कैपिटल चैम्बर, इस्लामाबाद चैम्बर की एक जो वैल्यू है वो यूनिक चैम्बर है, समझ लें। चैम्बर एक दारुल हुकूमत है और ये दारुल हुकूमत का चैम्बर है, तो इसकी एक यूनिक वैल्यू है। आप जैसे आपने बताया कि जो जितने डिप्लोमेट्स हैं या जितने जो हमारे फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं तो उनका एक विजिट इस्लामाबाद चैम्बर का मस्ट होता है, यहाँ हमारा उनके साथ एक मुलाकात ज़रूरी होती है। तो ये एक ये जी जी प्रेसिडेंट कब बने थे जी? मैं अभी 1 अक्टूबर से प्रेसिडेंट हूँ। और अगर आपने देखा हो तो 1 अक्टूबर को मैंने लाइव दिया था इनका चैम्बर्स का, और सारे पता मुझे क्या कहते हैं देखो जरा ऐसे, और मैं इनको बिल्कुल पहले से नहीं जानती थी, जस्ट हम वैसे मिले थे, लेकिन वो किया और आज ही इज़ माई फर्स्ट गेस्ट। अच्छा जो कैसा फील हुआ जब यू बिकम द प्रेसिडेंट और इस्लामाबाद चैम्बर्स के आप प्रेसिडेंट हो गए, क्योंकि UBG है, FPCCI है, स्मॉल चैम्बर्स है, लेकिन जो इस्लामाबाद चैम्बर्स की एक अपनी वैल्यू है मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है। यू नो ऑलवेज 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 वेरी यू नो हॉस्पिटेबल और खुद से लोगों को बुलाते हैं, दैट्स वेयर योर पर्सनैलिटी गोज यूनिक डिफरेंट। तो कैसा फील हुआ जब आप प्रेसिडेंट बने, आप क्या कहते हैं आपके ऑपोजिशन में तो कोई था ही नहीं और क्लीन स्वीप किया जनाब इन्होंने और बन गए प्रेसिडेंट,
कैसा लगा? देखिए ये अब एक मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रीज तो बड़ा अच्छा होता है जब आप आपको इज्जत करते हैं। इसमें ये है कि आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है जब आप प्रेसिडेंट बनते हैं या किसी भी इदारे के आप सरबराह अगर बनते हैं तो जिम्मेदारी एक हो जाती है, और उस जिम्मेदारी का जो एहसास होता है वो बंदे को डेली जो है ना वो परेशान करता है कि मेरे जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है तो मैंने इसको निभाना कैसे। तो पहले मैं अपने ऑफिस में आराम से मैं 11 बजे भी चला जाता था तो मुझे इशू नहीं था, अब मुझे चैम्बर में 9 बजे 9:15 बजे पहुँचना होता है मस्ट, और उसके साथ मुझे फिर डेली लोगों के जो डेली बेसिस पे जो लोगों के जो मसाइल हैं हमारे बिजनेस कम्युनिटी के उनको एड्रेस भी करना पड़ता है, कभी मुझे FPR जाना पड़ता है, कभी मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना पड़ता है, कभी उनको बुलाना पड़ता है, फिर कभी किसी आपका अपना सैक्रिफाइस हो रहा है जी। बिजनेस तो देखें जी बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस होता है, आप मैं ये कह रहा हूँ कि एक टाइम पे आप एक जॉब ही करें तो वो बेहतर है, आपको अपने दो कश्तियों के सवार नहीं होकर एक बंदा काम कर सकता। अगर आपने बिजनेस कम्युनिटी की खातर या उनकी कोई खिदमत करनी है तो फिर आपको अपना बिजनेस एक साल के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एक साल के लिए आपके सैक्रिफाइस के आपको रिजर्व पहले से करने, अगर आप चाहते हैं कि आप FPCCI के ICCI के स्मॉल चेंबर्स के UVG जिसके भी आपने प्रेसिडेंट बनना है आपके रिजर्व, यू शुड बी अ वेरी वेरी गुड बिजनेसमैन एंड यू शुड बी अ वेरी यू नो टॉकेटिव। आपको तो अपनी पूरी की पूरी एक टीम होती है ICCI की, हर जगह जा रही होती है और खूब एक एक साथ रहते हैं, तो मुझे ये बताएं कि आने वाले जो यंगस्टर्स हैं उनको आप बता सकते हैं कि ये आपका एड्रेस है और आप उनको बिजनेस की तरफ होता है ये तजारत जो है वो हमारे देखे ये हजूर सल्लम की एक सुन्नत है, तजारत जो है बिजनेस से एक तजारत, तो हम समझे बिजनेस कम्युनिटी हम अपने हजूर सल्लम की सुन्नत को जिंदा करके उसको आगे लेके चल रहे होते हैं, तो ये एक समझे बहुत अच्छा अमल है। कारोबार जो करना है, अपना बिजनेस करना है, लोगों को रोजगार देना, ये एक बहुत बड़ा अच्छा और नेक अमल है मेरे ख्याल से, और हमें चाहिए कि इस नेक अमल को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए, हमारे जो यंग इनोवेटर्स हैं उनको भी लेके चलना चाहिए। पिछले दिनों हमने यूनिडो के साथ मिलके एक यंग एंटरप्रेन्योर्स का एक बहुत अच्छा इवेंट किया था। अब देखें हमारे मुल्क में इतने अच्छे अच्छे इनोवेटर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं कि आप वो पानी की वेव्स के साथ बिजली बना रहे हैं, पानी को प्योरीफाई करने के लिए कर रहे हैं, जो डेड बैटरीज हैं उनको अलाइव करने के लिए, वो अब अगर आपकी 5,000 की बैटरी है वो 1,500 रुपये में आपकी वही लाइफ उतनी लाइफ दोबारा उसकी क्रिएट कर देते हैं। तो ये चीज़ें लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था। अब हमारा जो चैम्बर का प्लेटफॉर्म है इन लोगों को लेके हमने उनको उनमें मुकाबले करा के उनमें इनामात भी तकसीम किए, अब उनको आगे ले के अब उनको इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं कि यार ये आइडियाज़ हैं इन लोगों के पास, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास आइडिया है ये है, आप इसको कमर्शलाइज करें, आप इसको मार्केट करें और इससे प्रॉफिट अर्न करें, वो भी अर्न करें और आप भी अर्न करें। अच्छा, तो अब ये इस तरह के हमने काम भी शुरू किए हैं। आपका भी एक प्रॉमिस है, एक जो मैंने इनसे अभी हमारी बात चलेगी कि हम वीक में एक दिन हम ICCIS में लाइव प्रोग्राम करेंगे या वहाँ से यहाँ भेजेंगे, ये अब देखते हैं कि हम क्या करते हैं, और जितने आपने जो आपकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और अल्लाह ताला आपको भी इस चीज़ का अजर भी देगा, और हम उसको बताएंगे कि ये ICCI वाले हैं, FPCCI वाले आप भी सुन लें, स्मॉल चेंबर्स आप भी सुन लें, क्योंकि वी वॉन्ट फ्रॉम द सोशल मीडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है राइट नाउ वो सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ में ये दिखा रहा है यहाँ ये मसला हो गया यहाँ ये मसला हो गया। मेरा है कि पाकिस्तान में इन जैसे बहुत सारे हीरे छुपे हुए हैं और उनका पाकिस्तान को पता नहीं है। 20 साल आमिर साहब ने एक इस पाकिस्तान को दिए हैं, एक इकॉनमी किया है, लोगों को एम्प्लॉयज रखा है, पैसा दिया है, टैक्स दिया है, और एक कहते हैं ना पुरवकार पुरअज़म और ज़बरदस्त किस्म के शहरी हैं, और हमें इनको रिकग्नाइज करना चाहिए आज के दिन के आमिर साहब हमारे हीरो हैं। और ये अभी तकरीबन इनके 2 महीने हो गए ना आपको, जी तकरीबन ढाई महीने हो गए, तो अब पिछले रह गए जनाब जी 10.5 महीने रह गए, ऑलमोस्ट 9.5 महीने रह गए, तो 9.5 महीने में हम देखेंगे कि हर हफ्ते में जब तक मैं पॉलिटिकली बाहर जो आउट स्टेशन नहीं होंगी लेकिन इनसे मैं डायरेक्ट होंगी, और ये जहाँ कहीं भी होगा हमें कोशिश करेंगे ये देंगे, और हम नाम लेके बताएंगे कि दिस वॉज गिवन बाय ICCI यानी इस्लामाबाद चेंबर्स और नए एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा ये बताएं, स्पेशली हम बात करते हैं ख्वातीन की, चेंबर्स में मैंने देखा है कि ख्वातीन
वो बहुत कम है। इसकी मैडम एक ये वजह भी है कि खवातीन के इसमें देखें नहीं देखें खवातीन को तो सबसे पहले पावर करना है। हमारे मुल्क की 50% है खवातीन, मोर देन 50%, चले आप 50% लगा लें तो हमारे लिए सबसे पहले तो जेंडर इक्वलिटी की तरफ देखना है कि हमें खवातीन को उनका हिस्सा है। और खवातीन घर से निकल के अपना जो इवन जो है अपना किरदार अदा कर सकती हैं, साथ बच्चों को अच्छी अच्छी एजुकेशन दे सकती हैं, हैंडीक्राफ्ट का पढ़ाई का काम कर सकती हैं। और इस तरह अब देखें हमारे जो दूसरे कई मुल्क हैं जिसमें वो ख्वातीन घर में बैठ के इतने काम करती हैं, उसमें उनको एक इंसेंटिव मिलता है कि उनको बाय बैक गारंटी के साथ वो चीज़ें वो बनाती हैं तो उनकी बनाने से पहले बिक चुकी होती हैं। तो हमें इस तरह की हमें कोई इंडस्ट्री इस तरह का हमें जो कॉटेज इंडस्ट्री को माइल करने की ज़रूरत है हमारे मुल्क में। जो स्पेशल SME सेक्टर है उस पर हमारी फोकस करने की ज़रूरत है, उस पर हमारी अभी तक कोई तवज्जो नहीं है। और मेरी इंशाल्लाह ताला सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि SME सेक्टर हमारे इस एरिया में एटलीस्ट ग्रो हो एक एज ए रोल मॉडल के तौर पे कि ये इस्लामाबाद का या पिंडी का SME सेक्टर है, इसमें ये देखें ये चीज़ें बनी और ये मुल्क से एक्सपोर्ट हो रही है। हमने अपने मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए हमें कोशिश करनी है सबसे पहले, फिर जो हमारे मुल्क में जो चीज़ें इम्पोर्ट हो रही हैं उनको हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें, मैं ये हुकूमत से बार बार कह रहा हूँ कि जो चीज़ हम इम्पोर्ट करते हैं वो चीज़ हम अपने मुल्क में बनाएं और वही चीज़ हम बना के उसी चीज़ को हम एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएं। ठीक है, तो चाइना की वजह से सारा कुछ तो हमारा चाइना ने ले लिया है। देखें मैं देखें हमें अपना हिस्सा अपने, मैं ये आपको मिसाल जो नोकिया की दी है कि वक्त की रफ्तार के साथ आईफोन या एंड्रॉयड जो फ़ोन आए हैं सैमसंग वगैरह वो आके उन्होंने नोकिया को किस तरह मार्केट से आउट किया। ठीक है, इसी तरह वक्त की रफ्तार के साथ अगर हम लोग नहीं चलेंगे हम फिर अपने आप को ब्लेम क्यों दें, फिर दूसरों को ब्लेम क्यों दें, अपने आप को ब्लेम देना क्यों निकाला। हाँ वही ना, देखें वो खुद ब खुद ही निकल गया ना, उसको तो निकालने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, वो वक्त की रफ्तार से नहीं चला और वो उसका जो है लोग नए नए इनोवेशन आ गए, नए नए आइडियाज़ आ गए इससे चीज़ें। इसी तरह हमारे जो बिज़नेस हैं हमें कम्पिटिटिव करना अपने आप को सबसे पहले बिज़नेस में कम्पिटिटिव करके उनका मुकाबला करना है। और हमें मेरा ख्याल हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हमारी जो कौम है बड़ी बाहिम्मत कौम है, बड़ा टैलेंट है हमारे इस यूथ में हमारे मुल्क के बच्चों में। और मैंने कई अब देखे हैं बच्चे, मैंने पिछले दिनों फास्ट यूनिवर्सिटी के बच्चों से एक स्टडी कंडक्ट करवाई CPAC के हवाले से, कई चीज़ें जो मेरी नॉलेज में नहीं थी मुझे पता चली कि यार इतना अच्छा हमारे मुल्क का टैलेंट है, उन्होंने इतनी इस बारीकी से उसको स्टडी किया और बड़ा अच्छा वो कंडक्ट करवाई स्टडी। इसी तरह मैं अब और यूनिवर्सिटी से इम्पोर्ट के वाले से स्टडी कंडक्ट करवा रहा हूँ कि हम लोग हमारे मुल्क में जो इम्पोर्ट्स हो रही हैं चीज़ें उस पर स्टडी करवा के हम उन हुकूमत को अपनी तजावीज़ दें कि ये वाली चीज़ें ये इंडस्ट्री को पाकिस्तान में इंसेंटिव एट एनी कॉस्ट दें, तो इससे चीज़ें हमारी ठीक होंगी इंशाल्लाह। जब हम MBA कर रहे होते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ को इंटर्नशिप चाहिए होती है, तो क्या इस्लामाबाद चेंबर्स, पिंडी चेंबर्स या डिफरेंट चेंबर्स जो हैं वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू द एंटरप्रेन्योर्स, नॉट टू द एंटरप्रेन्योर्स, टू द MBA स्टूडेंट्स और टू द जो ग्रेजुएट करते हैं, तो एक आपका 2-3 months एक टाइम पीरियड आपको इंटर्नशिप कर सकते हैं उनको हम पे इंटर्नशिप कर देते हैं। ये सबसे पे इंटर्नशिप अगर आपको करना है तो ICCI भी कर रहा है और पिंडी चैम्बर्स भी और चैम्बर्स भी कर रहे होते हैं, उसमें हम लोग उनको इंसेंटिव देते हैं और उनको जो कितना पे होता है, देखिए इतना पे हो जाता है कि उनका गुजारा हो जाता है, गुजारा हो जाता है जी आप लोग। और सबसे बढ़ के आपको इतने बड़े बड़े जो ज्वाइंट कहते हैं ना वो बिजनेस के जो इतने सालों वाले वो आपको, फिर आपको लर्निंग बहुत होती है जी, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है वहाँ पे जब आप इंटर्नशिप करते हैं। ये चैम्बर्स के अलावा आप इंडस्ट्री में किसी में चले जाएं, किसी बैंक में चले जाएं, किसी जगह पे भी जाके आप जब इंटर्नशिप करते हैं तो आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, तो वही फिर आपके लिए फ्यूचर जो आपकी लाइफ है वो एक उसका वो आपका हिस्सा बन जाती है। मुझे याद है 2013 में जब हम लोग आई थिंक 12 में या 13 नहीं 12 से पहले 8 या 10 के उसमें आई रिमेम्बर कि वो बहुत सारे MBAs के हम एडवांस ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम केश यूनिवर्सिटी कर रहे थे, तो मुझे MBA वाले बताए थे हम सारा वक्त सिर्फ ना बैंक में जाके फोटोकॉपियां कर रहे होते हैं, तो वो फोटोकॉपी अगर आप पढ़ना शुरू कर देना तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो किसी भी काम को छोटा मत जाने क्योंकि उनको ये पता होता है। आपने वो जो एनवायरनमेंट होता है ना
आपको मेरा ख्याल है आप जब वो इन्वायरमेंट में जाते हैं ना तो आपने अपना हिस्सा खुद लेना है, आपने खुद सीखना है, आपने खुद इन्वॉल्व होना है। जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे ना किसी भी चीज़ में तो आप सीख नहीं सकते कुछ। आपको सीखना खुद है, देखना खुद है, ऑब्जर्व खुद करना है कि वो बंदा दूसरा क्या कर रहा है, वो किस तरीके से लेके चल रहा है, किस तरीके से मूव कर रहा है उसकी। जी अभी है। अच्छा एक मैं मजे की आपको किस्सा सुनाती हूँ। हम कर रहे थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड वन ऑफ द फाइनेंस का जो मेन बहुत बड़ी कंपनी के एक डायरेक्टर थे, उनको ना टिप फिंगर टिप्स पे ना सारी चीज़ें याद होती थी। तो उन्होंने क्या कहा कि जब मैं इंटर्नी की बात होती थी कि मैं एम्प्लॉय कैसे रखता हूँ, वो कहते हैं देखो अगर मेरे पास CV आई है ठीक है तो उसमें सारे लोग MBA हैं, उससे हैं, मुझे बंदा क्या चाहिए। अब वो कहते हैं कि मैं कैसे, मैंने जो काम कराना है क्योंकि वो अभी आया है, मैं हूँ, मुझे पता है मैंने इससे काम कैसे कराना है। कहते हैं मैं उसकी वर्थ कैसे बताता हूँ कि उसकी वर्थ कैसे देखता हूँ कि कैसा वर्थ है। कहते हैं उसका ड्रेसिंग अच्छा, अब उनकी वाली बात थी उनकी, वो कहते हैं मैं ड्रेसिंग देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसने अपना जो पूरा गेटअप किया हुआ है वो कितने कॉस्ट पे है ठीक है। फिर मैं इवन कहते, वो इतने मज़े की बात कहते थे ये आप लोग ना करें कि जी मैं बड़ी गाड़ी की चाबी लेके जाए, वो मुझे कहते थे कि मैं देखता था कि ये कि इसने मोबाइल कौन सा रखा है, इसने घड़ी कौन सी पहनी है, इसकी ड्रेसिंग कितने पैसों की है और इसकी पर्सनालिटी की जो बात है। कहते मैं इससे कोई भी इससे जो उससे रिलेटेड है ना, काम से रिलेटेड, इसकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर, तो मैं उससे अंदाज़ा लगा देता था कि ये इसका जो मंथली अपने आप पे या बाकी चीज़ों पे खर्चा है वो इतना है। मैं उसके बाद उसकी पे डिसाइड करता था कि इतना है। और जो जहाँ तक रहा कि मैं अपने, क्योंकि ही वॉज अ फाइनेंस के, वो इस वॉज अ जॉइंट टाइकॉन थे, तो वो कहते हैं वो तो मैंने काम ले लेना है, वो तो आप मुझे किसी इससे भी बुलाएंगे ना तो मैं उससे भी काम ले लेता था। तो वो मुझे हमेशा बताते थे कि अपनी वर्थ, अपनी जो चीज़ें हैं उसको हर साल अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी बेस्ट करो कि आज आप यहाँ हो तो कल आप ज़रा से उससे आगे हो, फिर उससे आगे हो, फिर उससे आगे हो, ताकि आपकी जो वर्थ है वो मार्केट में फ्लाई करे। जैसे जब जहाज़ कहते हैं ना, पहले तो वो आता है जनाब अपने रनवे पे करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद वो करता है और फिर वो फ्लाई करता है। ये हो नहीं सकता कि हेलीकॉप्टर की तरह जाएगा और वो करेगा, दैट एवरीवन कैन नॉट डू दैट। जो टेक ऑफ करने के लिए उसको पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो ये प्रोसेस होता है आपकी ड्रेसिंग और आपका जो ग्रूमिंग है ना, वो एक पूरा एक समझ ले मेथोलॉजी है, पूरा एक सिस्टम है। अच्छा जेलसी कितनी होती है, अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज इनके जितने जानने वाले हैं वो मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं। ये मुझे बताएं, जब आप प्रेसिडेंट बने तो एक तरफ आपको मुकाबला करना था कि जी मुझे अपना बिजनेस को भी, फिर बहुत सारे आपको रिएक्शंस भी आते हैं और बहुत लोग वेट करते हैं कि उड़ते गलती करे ना फिर मैं बताता हूँ उसको, तो वो मुश्किलें भी आती हैं उससे कैसे इंसान को, ताकि आने वाले जितने लोग हैं उनको ये पता लगे कि हमने कैसे मुश्किलात और तमाम जो जेलसीज भी होती हैं, कई दफ़ा उनके शॉर्टकम्स होते हैं, आपको अगला बंदा बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। कारोबार में ये बहुत चलता रहता है, एक दूसरे से मुकाबला बहुत चलता है, उसको कैसे हम बैलेंस कर सकते। देखिए आप जो लोग देख, जो लोग जेलस होते हैं ना, वो दूसरों को देख के ना उनको ये नहीं पता होता, अंदाज़ा होता है कि वो जेलसी में अपना कितना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, और आप उनको देखे बगैर अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं, बढ़ते जाएं, वो खुद ही जो है वो आपको पीछे हो जाएंगे जब आप उनकी तरफ नज़र भी नहीं करेंगे, उनको इग्नोर करेंगे एक किस्म का। यहाँ देखेंगे ताकि मैं भी आपको यहाँ देखूँ, ये जो लोग हैं ये आपको सब देखे, आप उनको इग्नोर करते जाएं उस हवाले से कि वो देखे उसको, वो अपना जो टाइम है वो आपकी लेग पुलिंग में ज़ाया कर रहा है, और आप जो अपना काम प्रोडक्टिविटी में आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं तो उसको आप जब इग्नोर करते हैं तो वो खुद ब खुद ही पीछे भाग जाता है कि इसने तो मुझे बिल्कुल इस बात को मेरे कोई लिफ्ट ही नहीं कराया या मुझे इस पर कोई अहमियत ही नहीं दी। जब आप उसको अहमियत नहीं देंगे तो आप अपनी काम से बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और वो पीछे रहता जाएगा। अच्छा, वो आपको नेगेटिव करता जाएगा, आप पॉजिटिव वे में आगे चलते जाएंगे। अच्छा दोबारा से वही क्वेश्चन करते हैं कि खवातीन जो कि घरों में बिजनेस कर रही हैं, बहुत सारे पार्लर्स लोगों के, वो सबसे आसान होता है क्योंकि उसमें वो खूबसूरती अपनी भी होती है और बाकियों की भी होती है, और मैंने बहुत सारी खवातीन देखी हैं जो दूसरों को खूबसूरत बनाती वो खुद खूबसूरत नहीं हो रही होती, सिलाई करी होती हैं, एम्ब्रॉयडरीज है और अब तो वो ज्वेलरी का है और भी बहुत सारे काम है, इवन स्टॉक एक्सचेंज में भी लड़कियां बैठ के घर से काम करें। हाउ कैन दे रजिस्टर,
और वो एंटरप्रेन्योर्स प्रॉपर एंटरप्रेन्योर अपने आप को रजिस्टर करने का क्या तरीका है, कैसे आपके पास से फॉर्म मिल सकते हैं? देखिए पहले तो हमारी वेबसाइट है, नंबर बताएं, ईमेल बताएं। हमारी जी वेबसाइट है प्रॉपर ICCI की, आप जब भी आप गूगल पे या किसी चीज पे ICCI सर्च करेंगे तो हमारा वो आपको साइट खुल जाएगी। और तो उसपे एड्रेस भी जी, दफ्तर हमारा G8 में है, पैमरा के दफ्तर, पैमरा बड़ा मशहूर है, उसके बिल्कुल साथ ही है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है सबके लिए, इम्पोर्टेंट है मीडिया के लिए खास तौर पे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके बिल्कुल साथ ही हमारा ऑफिस। दूसरा ये है कि सबसे पहले आप जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपको अपने बिज़नेस शुरू करने से पहले नेशनल टैक्स नंबर लेना ज़रूरी होता है, NTN नंबर लेना ज़रूरी है। NTN नंबर ले के अपना बिज़नेस एड्रेस करके आप बैंक अकाउंट खोल के हमारे पास आए कि जी हमने ये NTN लिया, ये हमारा बैंक अकाउंट है, ID कार्ड की कॉपी दें, 2 या 3 तस्वीरें होती हैं वो दें, और आपका हम एक दिन में आप कितना है? हमारा है जी कुछ तकरीबन अराउंड 3000 के करीब है, पर ईयर आपका 3000 पर ईयर है। और दैट्स अ वेरी स्मॉल, क्योंकि अब मैंने एक जो चीज़ देखा है अभी बहुत सारी जो खवातीन हैं इस्लामाबाद में, अभी देखिए मैं आपको बता रही हूँ कैसे अब हमको मोबिलाइज करें, आई इवन वांट के सब रजिस्टर कर दें, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। वो लोग जो रेडीमेड फूड है, लड़कियां हैं वो बेकरी की बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, और अभी चूंकि वो किटी पार्टीज एंड बर्थडे पार्टीज और इन्हें बहुत सारी चीज़ें अब एडवांस हो गई है, लोगों को खुशी की जो चीज़ें हैं वो हमने अपनी पाकिस्तानी के ट्रेडिशंस की ख़त्म कर दी, जो इंटरनेशनल चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही है। नहीं देखें, आप देखें बाहर से, हम बाहर से अब जैसे मिसाल के तौर पे हम फिलिपाइन से इधर उधर से घर की मेड्स मंगा रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे लोकल अपनी मेड्स को ट्रेन करें, उस तरह की ट्रेनिंग दें उनको, इसी तरह हम जो हमारे शेफ्स हैं उनको ट्रेन करें, इसी तरह हम जो हमारे जो वेटर्स हैं उनको तरीकाकार बताएं। ये चीज़ें घरों में आजकल बड़ी नीड्स है, लोगों की ज़रूरत है कि मेड्स की भी प्लस ये आपके वेटर्स की भी और शेफ्स की भी। फिर इस तरह आप रेडीमेड चीज़ें जैसे लड़कियां बना के उसको मार्केट करें, उसको मीडिया पे ही अपलोड कर देंगे कि हम ये चीज़ इतने की बना के दे रही हैं। तो ये चीज़ें, एक ऐसी वेबसाइट आएगी, मैं उसका नाम इसलिए डिस्क्लोज नहीं करी बिकॉज हमारे यहाँ फॉरेन आइडियाज जो है वो लेते हैं, जिसमें वी विल प्राउडली से कि ये हमारा जो एक बेटर इमेज ऑफ पाकिस्तान है वो। अच्छा ये बताएं इस्लामाबाद की आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? अब थोड़ा सा हम बिजनेस से हट के भी थोड़ी सी बात, इस्लामाबाद की इस वक्त आपको अपने पीछे बादल भी नज़र आ रहे हैं, बड़ी सी बिल्डिंग भी नज़र आ रही है, यूफोन हमें पैसे नहीं दे रही लेकिन यूफोन का जो है ना वो नज़र आ रहा है। तो सबसे अच्छी जो इस्लामाबाद की जो मारगला हिल्स हैं जी, वो इस्लामाबाद की खूबसूरती में सबसे जो है ना एक समझ लें आप इसका हीरा है, जो हमारी जो मारगला हिल्स है, हमारा जो मारगला हिल्स का जो एरिया है ना ये सबसे खूबसूरत है, मैं समझता हूँ। और फूड सबसे ज़्यादा खाना क्या पसंद है आजकल? तो जनाब इनको रोज़ अगर ये अपने ना, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ कि अब लोग एज ए सेलिब्रिटी वो करते हैं, मैं 365 डेज अपना नाश्ता चाय डिनर लंच करना शुरू कर दूँ तो दे आर सो मैनी फैन जो कि करना चाहते हैं। आप तो जनाब बिजनेस के टाइकॉन बन गए, लोगों को लगता है बस ये एक बहुत बड़ा है, कहते ना वो हीरे का पहाड़ है और इससे सब चीज़ें हो जाएंगी। तो खाना क्या पसंद है ताकि सारे बिजनेस कम्युनिटी इनको देख लें, इनको खाना क्या पसंद है? खाना तो कहते हैं जरूरत का खाना चाहिए, जरूरत को फेवरेट लोग देखे, कुछ लोग खाने के लिए जीते और कुछ लोग जो है ना जीने के लिए खाते हैं, तो मेरा ख्याल है ठीक है ठीक है, तो खाना जरूरत का खाना चाहिए, खाना जैसे हमारी ये भी क्या पसंद का खाना था? मैं वो जो भी बना लेती है जी वो सब कुछ ही अच्छा होता है उसका। नहीं वो देखे उसको पता होता है मेरी क्या पसंद है, तो मैं तो हर चीज खा लेता हूँ, लेकिन मैं मुझे ज्यादा राइस से रिलेटेड चीजें जो होती हैं वो ज्यादा राइस से रिलेटेड जनाब, यानी बिरयानी हाँ जिस तरह की कुछ बिरयानी चाइनीज हो जो भी अच्छा हो मैं खा लेता हूँ। चाय पसंद है या कॉफी? चाय मैं दिन में 8-10 कप चाय के पी लेता हूँ, ये तो हर कहते हैं एक थाने में चाय बहुत होती है, एक दुकान में चाय बहुत होती है, असल में ऑफिसेज में चाय बहुत ऑफिस में ये होता है ना कि जब आपसे कोई बंदा मिलने आता है तो फिर वो अब अकेले को चाय पिलाते हुए अच्छा नहीं लगता, तो एटलीस्ट फिर आपको हाफ कप या थोड़ा सा साथ इंटेक करना पड़ता है उसको साथ, एक समझ लें ये भी एक हॉस्पिटैलिटी का एक अंदाज होता है या तरीकाकार होता है, ये जरूरी भी है कि फिर करना पड़ता है। अच्छा एक और चीज़ जो देखिए ये होती है मैनेजमेंट, और ये आप सबको सीखना चाहिए कि यू नो योर पर्सनैलिटीज़ के आपने हर एक को बहुत प्लीज करना है। राइट नाउ यू आर माशाल्लाह प्रेजिडेंट ऑफ ICCI,
जब लोग आते हैं आपको पता है मैं ये काम नहीं हो सकता और ये वो आपको बहुत सारी बातें करके इधर उधर करके आपको, या बहुत सारी चीज़ें आपकी बस में नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें आप ये समझते हैं कि ये होनी नहीं चाहिए, तो उनको मैनेज कैसे करते हैं कि उसका दिल भी ना दुखे, देखें मैं आपको बताऊं कि बिलफर्ज आप एक किसी बंदे का कोई काम नहीं होने वाला होता ना, उसको थोड़ा सा पहले मोटिवेट करें कि जी इसका ये तरीकाकार हो सकता है, ये काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आप उनको मिडल में मत रखें, लोगों को एक ये चीज़ है कि लोगों को बताएं कि ये काम हो सकता है ये नहीं हो सकता, येस और नो। तीसरी चीज बीच में तरीका क्या होता है, क्योंकि यस नो नो करने, यस करने का तरीका तो बड़ा आसान है वो जी, देखिए नो करने का तरीका कार होता है, उनको थोड़ा सा समझाने की जरूरत होती है, थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत होती है। जब आप उनको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं तो उनको वैसे ही समझ आ जाती है कि ये वाकई काम नहीं होने वाला। अगर वो होने वाला हो तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग बैठे इसीलिए होते हैं चैम्बर्स में, अपने लोगों की जो है उनकी बेहतरी के लिए, उनके काम करने के लिए बैठे होते हैं। तो उनका जो होने वाला जब अच्छा काम या सही काम होता है या वो हो जाता है, वो कोई इशू नहीं। हमें कॉल करते हैं तो अल्लाह के फजल से काम हो जाता है, वो इशू नहीं होता, किसी का भी कोई इशू नहीं होता। अच्छा, जितने जो पूरे पाकिस्तान के जो चैम्बर्स हैं, जैसे इस्लामाबाद का, फैसलाबाद का, मुख्तलिफ जगहों के जो चैम्बर्स हैं, वो जब आपके पास आते हैं, क्योंकि यू नो जो इस्लामाबाद चैम्बर्स है वो वन ऑफ द सबसे टॉप पे आता है, कैसे मैनेज करते हैं कि जो बाकी शहरों को, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं बाकी जो चैम्बर्स के लोगों को, कि क्या यानी कैसे आप लोग आपस में जो है वो यानी कोऑर्डिनेट करते हैं? देखिए हमारे हर चैम्बर की आपस में कोऑर्डिनेशन भी होती है, जो हमारे कोर इश्यूज होते हैं ना, जैसे लाइक एफपीआर से रिलेटेड होते हैं तो उस पर हम लोग सारे इकट्ठे होते हैं, और इसी तरह हमारे जो सारे मेजर इशू तो ज़्यादा हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ ही होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं तो उस पर हम लोग सारे मिल के, हमारा जो एक एपेक्स बॉडी FPCCI वहाँ पर हम लोग सारे इकट्ठे होते हैं, साल में एक दो दफ़ा इवेंट्स भी होते हैं तो उसमें हम लोग इकट्ठे भी होते हैं। फिर इवन उसके अलावा अगर हम किसी चैम्बर को हम बुलाना चाहें, लेके चलना चाहें, तो जैसे हम आजकल हमने रीजनल चैम्बर का शुरू किया हुआ है, इसमें हमने 5 चैम्बर हम लोग इकट्ठे हैं, जिसमें झेलम है, अटक है, आपका रावलपिंडी चैम्बर है, आपका चितवाल है, 5 जो चैम्बर हैं वो मिलके हम एक एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं, और हम लोग मिलके जो भी अब अलामिया जारी करेंगे उससे हम मिलके काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जिसमें हमने इंडस्ट्रियल स्टेट हमें खरीदने के लिए चाहिए, उसके लिए हम काम करना चाह रहे हैं, इसी तरह हमें SME सेक्टर के लिए काम करना है, इसी तरह हमने मिलके कोई FPR के साथ अपनी बात बनवानी है, तो हम 5 चैम्बर मिलके काम करेंगे। ये हमारा एक एक्टिविटी भी इसी साथ हुआ। अच्छा, कितनी खवातीन जो हैं वो टोटल ICCI के कितने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं? देखें उसमें टोटल 26 मेंबर्स होते हैं, उसमें 2 खवातीन होती हैं और 2 क्लासेस होती हैं। सुन लो जी, 2 खवातीन, 26 में 2 खवातीन। नहीं, उसमें ये है कि खवातीन में भी 2 खवातीन, खवातीन का अपने अलहदा चैम्बर्स भी हैं, पूरी खवातीन का वुमेन चैम्बर्स भी हैं। अब ज्यादातर खवातीन उस तरफ माइल है, उस तरफ डाइवर्ट हो रही हैं। और मेरा जैसा बंदा जो कहता है नहीं यार मैंने जो है ना वो प्रॉपर वाले उसमें नहीं, उसमें देखें खवातीन, अगर देखें वो ये जेंडर इक्वालिटी वाली बात आ जाती है, अगर खवातीन मर्दों के शाना बशाना चलेंगी, उनके सामने बैठ के बात करने का उनको मौका मिलेगा, उनकी ग्रूमिंग भी होगी, वो बढ़ेंगी भी, उनको मौके मिलेंगे ज्यादा। देखिए मैं एक बात कहती हूँ, देखिए एक चीज जो चाहे भी आपकी है, वो भी आपकी है। अच्छा, एक चीज मैं आप सबको प्लीज कहना चाहूंगी, एंड आई अगेन से के जो कामरान हामिद राजा साहब हैं, वो वॉज माई मेंटोर, हु इज़ माई यू नो प्रैक्टिकल, उसके मेरे यूनिवर्सिटी के बाद जो हीरो हैं, और जो मैं जिनको कहती हूँ कि अल्लाह ताला उनको, मैं रोज़ उनके लिए सुबह और शाम दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको एक बेहतरीन ज़िंदगी करे। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहले दिन किया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि नादिया, अगर आप एज बीइंग अ फीमेल बाहर बात करोगी या देखोगी, जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में भी है कि आपको अपनी जो लहजा है सब चीज़ें हैं वो वैसा नहीं करना जैसे आपने, तो उन्होंने कहा नादिया अगर तुमने एज बीइंग अ फीमेल अपने आप को लेकर आई तो तुम बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकोगी, यू शुड बी लाइक अ मैन एंड एक्ट लाइक अ मैन, नॉट लाइक अ मैन कि आप फिजिकली एक्ट लाइक अ मैन, बट जैसे जो एक मेंटल जो अप्रोच होती है और जो मेंटल कहते हैं ना वो स्ट्रेंथ या स्ट्रांग आपका वो है नर्व, वो आपने करना है तो तब आप जो है वो आगे चल सकते हैं।
तो ये एक उन्होंने, बल्कि मैं शायद फिर कभी इस बात को बताऊंगी कि मुझे एक मिसाल दी कि इस तरह है। और वो दिन और आज का दिन कि जब हम बाहर काम कर रहे होते हैं, जब हम बाहर काम कर रहे होते हैं, तो हम फिर ये कहते हैं कि नहीं, उस वक्त कोई मर्द औरत नहीं होता। और इस वक्त ये बाबा टेलीफोन देख रहे हैं, उसका मतलब ये है कि यहाँ का मौसम बदलने वाला है और यहाँ से कोई जाने वाला है। साथ साथ पूछेंगे ज़रूर, बिकॉज वी नेवर वांटेड। आपका जो ये टाइम है, ये सच में हकूकुल इबाद है। पूरा पाकिस्तान, इंटरनेशनली एवरीवन इज़ वॉचिंग यू, एंड आई होप कि बिकॉज ऑफ यू ही इज़ माई फर्स्ट गेस्ट। और इनकी वजह के बाद इंशाल्लाह ये भी उसको हेल्प करेंगे सब मिलके। और कितने आप काम शुरू करते हैं, तो अभी आपके पास कितना टाइम है? बस 10 मिनट्स में। आपको बस 10 मिनट्स में जनाब हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो आप खवातीन को जब इतने माशाल्लाह जो कहते ना प्रोफाउंड और जो ज़बरदस्त रिस्पेक्टेड जितने सीनियर जो हमारे बिजनेस के जो मर्द हजरात होते हैं, हमारा कोई खवातीन का मुकाबला मर्दों से नहीं है। मर्दों का अपना काम है, खवातीन का अपना काम है। ये जो बात की जाती है कि जी मुकाबला है, नहीं, यू हैव टू बी यू नो आप इक्वली, बल्कि आप करें अगर आप चाहते हैं तो आप, चूंकि ये मर्द जो है वो देखें आप जो मर्जी कर लें, बाहर मर्दों का ज़्यादा एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, इसलिए इनकी जो बात होती है वो सुना करें, तो वो खवातीन को बहुत ज़्यादा आगे ले जाने में करेगा। और रिस्पेक्ट देने में कोई बुरी बात नहीं है। जैसे आपके रिश्तेदार होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा पूरा पाकिस्तान इज़ माई फैमिली, बट अगर आप अपनी रिस्पेक्ट रखेंगी तो हर बंदा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। एंड बाहर की दुनिया में सारे दरिंदे नहीं बैठे, सब काम कर रहे हैं। अगर आप दर्जी से बाकी जो ग्रॉसरीज वाले से, उनको आपके पूरे घर के खानदान का पता होता है, कोई मसला नहीं हो रहा होता, तो बाकी भी ऐसे हैं। बट आपने अपने आप को बड़ा एक ग्रेसफुली अगर लेके चलेंगे, तो जो तमाम लोग हैं, मैं खुद कहती हूँ कि आई रियली फाउंड मोस्ट ऑफ द पीपल, ऑलमोस्ट 99.99 जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत हेल्प करते हैं। आप असल में, मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दूँ कि आपका एक्ट और आपका बिहेवियर जो है वो आपको आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाता भी और कम भी करता है। ये मर्दों पे भी मैं अप्लाई करता हूँ और ये ख़वातीन पे भी अप्लाई करता हूँ कि आप उस तरीके से अपनी रिस्पेक्ट अपने अपने इदारों में या अपनी जो डेली रूटीन का सर्कल है उसमें, उसको आप अपने आप को मूव इस तरीके से करें कि हर बंदा आपकी रिस्पेक्ट करे और आपकी वो रिस्पेक्ट आप वो करने पर मजबूर हो जाए, आप उसको उस तरीके से लेकर चलें। तो मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी आपको ज़बरदस्ती किसी तरीके से किसी तरह माइल नहीं कर सकता। ये आपका इनर साइड होता है कि आपने कोई अच्छा काम करना है तो आपने इनर साइड से करना है, आपने कोई बुरा काम करना है तो ये आपके अपने इनर साइड से ही करना है। आपको कोई भी बंदा मजबूर नहीं करता कि अगर आपने सिगरेट पीना है तो वो, मेरा ख्याल आपको वो आपने नहीं पीना तो आपकी अपनी मर्जी नहीं पीना। तो ये चीज़ है कि आपने अपने आप को खुद उसमें, ये आपकी जो विल पावर है ये, इस पे आपने इसको करना होता है। लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आपकी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश है कि मैं लोगों से, आप कोई भी, यू हैव 3 मिनट्स, आपने बिल्कुल ऐसे लगना है जैसे आज आप हैं और आपने आवाम से बात करनी है, अपने दिल की बात करनी है, क्योंकि इंसान का जो है ना, जो कहीं भी बात, बहुत सारे लोगों को आपकी कहीं भी बात जो है वो बहुत ज़्यादा शायद उनके लिए मैटर करेगी। पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जितने लोग हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यू हैव 3 मिनट्स, यू हैव टू टॉक एट लीस्ट 2 से 3 मिनट्स, आपने बात करनी है और आपने बताना। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमें सबको अपने मुल्क से पाकिस्तानी बन के मोहब्बत करनी चाहिए। हमें अपनी ज़ात, अपनी बात, अपने किसी भी, यानी कि मज़हब तो सबसे पहले होता है इंसान का, मज़हब के बाद हमारा मुल्क है। मुल्क में ऐसा है कि हमारे मुल्क को हमें ना पंजाबी बनना है, ना पठान बनना है, ना सिंधी बनना है, ना बलोची बनना है, हमें पाकिस्तानी बनना है। और पाकिस्तानी बन के पाकिस्तान की चीज़ों को भी पाकिस्तानी और बाय पाकिस्तानी बनना चाहिए हमें सबको मिलके। और पाकिस्तानी चीज़ें जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनको पूरी दुनिया में हमारा मुल्क का नाम और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके जाना चाहिए। मैं सबसे पहले यही कोशिश करूँ कि हमारे मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं जो कम हो रही हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, जो मेरी सबसे ज़्यादा तवज्जो इसी पे है कि हम इसको बढ़ा कैसे सकते हैं और हम जो इम्पोर्ट्स हैं उनको कम कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमें अपने SME सेक्टर को मार्केट में ग्रो करने की ज़रूरत है, और इसके अलावा हमें
अपने आप के जो हमारे जो यूथ है, हमारा जो 65% हमारे मुल्क का जो यूथ है उसको आगे लेके चलना है, क्योंकि हमारे मुल्क का जो हमारा फ्यूचर है हमारे यूथ के साथ है, हमारे मुल्क का जो यूथ है उसको हमने एक रास्ता देना है और उसको उस रास्ते से लेके उसको आगे लेके चलना है और उसको एक अच्छे ट्रैक पे चढ़ाना है। अब एक रेल की पटरी है उसको हमने एक सीधे ट्रैक पे लेके चलना है। हमारे मुल्क में अच्छी लीडरशिप की भी है जो इसको लेके आगे चले, हमारे यूथ को आगे लेके चले और हमारे मुल्क को, हमारा मुल्क इंशाल्लाह ताला, मैं बड़ा पुरउम्मीद हूँ कि हमारा मुल्क इंशाल्लाह ताला दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में इंशाल्लाह उसकी सफों में शामिल होगा। लेकिन देर है, अंधेर नहीं है, हमें इंशाल्लाह ताला इसकी बेहतरी के लिए और इसके मुल्क को आगे लेके चलने के लिए हमारे यूथ को, हमारी जो ख्वातीन है उनको ले के आगे, हमारी ये ख्वातीन और यूथ जो है समझ लें हमारे मुल्क का एसेट्स हैं। और हमारी जो 20 करोड़ की जो आवाम है, ये 21 करोड़ की आवाम है, ये भी हमारा एक सरमाया है। इस सरमाए को यूटिलाइज करते हुए लोगों को बताना है कि ये हमारे मुल्क का सरमाया, ये 21 करोड़ की आबादी, ये आपके पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं, ये आपके पोटेंशियल सेलर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसको हमने, इस चीज़ को ग्रो करना है कि ये इतनी बड़ी मार्केट है, इसको एक्सप्लोर करें और यहाँ पे आएं, इस मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। हमारे मुल्क में बड़े बड़े ब्रांड्स आए, जैसे पिछले दिनों एक बहुत बड़ा एक ब्रांड भी हमारे मुल्क में आया। इसी तरह ये अब मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ हैं, हमारे मुल्क की जो अफवाज हैं उन्होंने दहशत गर्दी पर काबू पा लिया है, अल्लाह के फजल व करम से अब हमारा मुल्क बहुत अच्छी तरफ है। अब एक मैं पैगाम मीडिया को भी देना चाहता हूँ कि मीडिया को ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे मुल्क को ना, हमारे मुल्क का एक जो मुस्बत इमेज है उसको उजागर करें। अब कोई हमारे मुल्क के जो में लोग आते हैं बाहर से, वो कहते हैं जब हम मीडिया पर देखते हैं कि पाकिस्तान में मना किया जाता है हमारी एम्बेसीज की तरफ से कि आप उस मुल्क में ना जाएं, इस मुल्क में, लेकिन जब हम इस मुल्क में आते हैं तो हमें इंटायरली एक जो डिफरेंट पिक्चर होती है वो नज़र आती है। तो हमारे इस मुल्क का पॉजिटिव इमेज, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पॉजिटिव इमेज को उजागर करें। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हमारा मुल्क बहुत आगे जा सकता है। कुछ कुर्तें नहीं चाहती कि हमारा मुल्क तरक्की करे, लेकिन हमें सबको मिल के उनकी जो भी अजायम है उनको ख़त्म करना है और हमारे मुल्क को आगे लेके चलना है। इसी बात के साथ मैं अब माइक मैडम नादिया को दूंगा और इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना अच्छा प्रोग्राम ये अरेंज किया हुआ इन्होंने। और मैं अब इनकी एक बात को आगे बढ़ाते हुए कि हफ्ते में इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इनको एक अच्छे स्पीकर दें जो देखें मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए, इस शहर की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए आगे लेके चलें। हमें अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी लेके चलना है, हमें अपने देखें रोड कैसे क्रॉस करनी है, किसी को रास्ता कैसे देना है, ये सारी चीज़ें हमें इस पर मिलके सोचना है। ये हमें स्कूल लेवल्स पे भी शुरू करना है और हमें खुद भी अपने शहर की तरक्की के लिए इस चीज़ पे भी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेके चलना है। इस पर ये बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ है कि हम अपना हिस्सा अपने शहर के, अब एक घर पे हम 1 करोड़ रुपये लगा देते हैं, गली पे 10,000 नहीं लगाते। गाड़ी को हम अपना समझते हैं और कूड़ा जो उठा के रोड पे फेंक देते हैं, रोड हमारी अपनी नहीं, क्यों? इसको हमें अपना समझ के अपने घर को, अपनी गली को, हम अपना हर बंदे को अपना अपना हिस्सा, अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, तभी इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल मिस्टर आमिर साहब, और ही इज़ राइट नाउ करंटली एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ICCI। आई एम रियली थैंकफुल बिकॉज राइट नाउ ही इज़ यू नो कंट्रोलिंग एवरीथिंग एंड ऑल दीज यू नो इंडस्ट्रीज जो हमारी चेंबर्स है, यानी कि जो नॉट अ स्मॉल इंडस्ट्रीज बट बिग इंडस्ट्रीज जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, एंड ही इज सिटिंग इन हिज ऑफिस दैट वेयर G8 में है, वहाँ पर ये आप लोगों के लिए बैठे हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप नए कारोबार में आना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज इनके पास ज़रूर आएँ। इन बाकी जो जो लोग हैं जो इनके अंडर हैं, इन तक पहुँचने के लिए भी आपको थोड़ा सा यू नो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सारे लोग आपके लिए जो है वो वेट करते हैं। आप लोगों को वहाँ पर कदम बढ़ाना है, कहते हैं प्यासे को कुएँ के पास जाना चाहिए, बल्कि यहाँ उल्टा हिसाब है, जो कुएँ है वो हर प्यासे के पास खुद जा रहा होता है। दैट व्हाट आई नो फ्रॉम द लास्ट मेनी ईयर्स, जब चूँकि एक पॉलिटिकल आ जाता है, लेकिन जब मैं किसी भी बड़ी यानी हम जब जा रहे होते हैं तो बड़ी गाड़ी वाले भी सारे ना जब कचरा वो बाहर फेंक रहे होते हैं, तो जब मैंने कहती ये क्या करें, जब नया पाकिस्तान बनेगा ना फिर हम नहीं करेंगे। सो नया पाकिस्तान इज नथिंग, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, पाकिस्तान इस वक्त जो हमारी सांसें चल रही हैं ये हमारा खूबसूरत पाकिस्तान है। इस्लामाबाद का जो शहर है वो इसलिए बहुत ज़्यादा है कि वो नीट एंड क्लीन है।
अगर कोई भी शहर आप जाएं तो वहाँ पर जब मैंने पूरा पाकिस्तान देखा है तो मुझे सिर्फ एक चीज़ की तकलीफ होती है कि मिट्टी के घर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, सुकून देते हैं, लेकिन जो गंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। अगर आप यहाँ से वहाँ जाएं और आप देखें जो मुख्तलिफ घर हैं वो बहुत साफ़ हैं, कच्चे घर हैं, छोटे एक दो कमरों के हैं लेकिन वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। जहाँ हम जैसे पढ़े लिखे लोग जाके टिन वाले जो हैं वो कहते हैं वो जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं वो प्लास्टिक और वो तमाम वो लोग फेंक रहे होते हैं।